हां जी गुड आफ्टरनून एवरी वन कैसे हैं आप सभी लोग गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हाउ इज एवरीबडी डूइंग क्या हाल चाल है सबके गुड आफ्टरनून ईच एंड एवरी वन ऑफ यू गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून वीच एंड एवरी वन ऑफ यू व्हाट्स और राइट ग्रेट गुड आफ्टरनून विनय ये निश्चन इज बैक यस शुभम आशीष मेघा वंदना हाँ जी मैं मैं मस्त बत, मस्त हुआ मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ तो फ्राइडे को मैंने क्लास ली सब बढ़िया रहा ठीक है फ्राइडे को दोपहर तो वाली क्लास में तो गाना भी गाया मैंने तुमसे से रन धूप की एंड ऑल दैट ठीक है फ्राइडे रात को शाम को मैंने मैथ्स की क्लास ली मैथ्स की क्लास तक आवाज़ जो है वो जा रही थी मैथ्स की क्लास के बाद ऑलमोस्ट काफ़ी जा चुकी थी बेस नेचुरली मेरी आवाज़ में आ चुका था सैटरडे में सुबह उठा मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी तो सैटरडे इट वॉज़ लाइक कैसे तो सैटरडे को मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी तो मैंने स्वाति मैम को बताया मैंने टेक्स्ट किया स्वाति मैम को कि मैम आवाज़ मेरी एकदम डाउन है थ्रोट मेरा डाउन है मैं सेशन नहीं ले पाऊंगा ठीक है तो स्वाति मैम का तुरंत रिप्लाई आ गया था कि ओके सर नो प्रॉब्लम प्लीज टेक केयर लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं मुझे प्रूफ देना चाहिए कि मेरी आवाज़ ख़राब है तो मैंने स्वाति मैम को एक प्रॉपर वीडियो बनाकर भेजी मेरे खबर आवाज निकल ही नहीं रही है ठीक है तो अभी अभी ऐसा है कि आवाज धीरे धीरे निकलनी शुरू हुई है तो हो सकता है आज की क्लास में छोटी ही रखू जिससे बहुत ज्यादा स्ट्रेन ना आए थ्रोट पर तो मे बी आई वाइंड अप द क्लास विद इन आर सो ठीक है और खांसी और पता नहीं क्या आएगी कैसे है क्या है आई डोंट नो बट वो आप लोगों को आवाज सुनकर समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे जो थ्रोट है वो डाउन है ठीक है तो आई डोंट वॉन्ट के और ज्यादा छुट्टियाँ वगैरह हों तो इसलिए बहुत ज्यादा लोड नहीं लेंगे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन मैं अपने गले को भी नहीं दूंगा एंड आई एल फिनिश ऑफ द क्लास इन मे बी वन आवर और मे बी वन आवर फिफ्टीन मिनट्स और मे बी वन आवर ट्वेंटी मिनट्स एंड सो ऑन ठीक है अच्छा ये तो पहली बात हो गई बाकी थैंक यू सो मच आप लोगों की बहुत सारी गुड विशेज आई हैं थैंक यू सो वेरी मच ठीक है अच्छा दूसरी चीज़ पच्चीस फेबररी कल हो चुका था ठीक है नहीं पर कल तो 26 था 25 फरवरी को जो मैंने आप लोगों से शुरुआत में वादा किया था कि हर मह, हर मन, हर महीने के संडे को आपका एक टेस्ट होगा ठीक है और हर महीने के आखिरी संडे को एक क्यूम्यूलेटिव टेस्ट होगा तो संडे को एक टेस्ट हुआ था वो टेस्ट पेपर कितनों ने दिया मेरे को ऑनेस्टली बताओ कितने लोगों ने वो टेस्ट पेपर दिया वो टेस्ट कितने लोगों ने दिया आशीष विवेक शशांक वंशिका कार्तिक है ना वंशिका गुप्ता वंशिका मुस्कान होतवानी कार्तिक रमन लिखा है बहुत बढ़िया आप लोगों ने दिया अच्छा ये वाला टेस्ट मैंने क्योंकि अभी डेमो हमारी क्लासेस चल रही हैं तो इसलिए ये वाला टेस्ट मैंने गूगल ड्राइव पे ये अपलोड कर दिया था और यूट्यूब पर भी डाल दिया था और एकाग्रता सी के टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि एक टेस्ट पेपर में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ उसके सजेस्टेड आंसर्स में मैंने आज अपलोड किया ठीक है कॉपीज ऑफ फोर स्टूडेंट्स ठीक है इट्स ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू चेक द कॉपीज ऑफ 500 हंड्रेड स्टूडेंट लेकिन uh, मैं सजेस्टेड आंसर जरूर दूंगा और वहां पर आप लोग अपने हिसाब से आप बिल्कुल वैसे चेक करोगे जैसे आप एग्जामिनर हो और बहुत ही एग्जामिनर हो ठीक है अगर आप चाहते हो कि आपके ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स आए तो आपको अपने आप को बहुत खड़ूस एग्जामिनर मानकर अपना पेपर चेक करना होगा ठीक है मतलब आप अपने से दुश्मनी ही मान लो ठीक है कि मार्क्स दूंगा ही नहीं मैं मार्क्स देने के लिए बहुत अच्छी लैंग्वेज होनी चाहिए लीगल लैंग्वेज होनी चाहिए कैसी किस लैंग्वेज में आंसर लिखा हुआ होना चाहिए वो आप लोग सजेस्टेड आंसर में देख सकते हो ठीक है थर्टी थ्री मिनट्स लगा आयुष को वेरी नाइस थर्टी सिक्स मिनट्स का पेपर था थर्टी थ्री मिनट्स आपको लगे तो दैट्स दैट्स वेरी गुड ठीक है तो ऐसे ही हम लोग करेंगे तो टोटल आपके चार टेस्ट होंगे ठीक है एक टेस्ट फेब्रवरी में हो गया एक टेस्ट होगा लास्ट संडे ऑफ द मार्च जो कि थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च को है फिर नेक्स्ट टेस्ट होगा अप्रैल में तो लास्ट संडे ऑफ अप्रैल लास्ट संडे ऑफ अप्रैल कौन सी तारीख को है लास्ट संडे ऑफ अप्रैल एप्रिल्वेंटी अप्रैल ठीक है अप्रैल को आपका नेक्स्ट टेस्ट होगा और उसके बाद नेक्स्ट आपका जो टेस्ट होगा वो होगा छब्बीस मई को एंड दैट विल बी द लास्ट टेस्ट ठीक है क्योंकि इकतीस मई को हमारा सिलेबस ही खत्म हो जाएगा एक्चुअली सिलेबस हम लोग कोशिश करेंगे कि पंद्रह सोलह मई तक खत्म हो जाए उसके बाद मैं आप लोगों को रिविजन और अमेंडमेंट्स और बहुत सारी और भी चीजें करवा दू तो हमारा जो लास्ट वाला टेस्ट होगा वो पच्चीस छब्बीस मई के आसपास होगा जो भी संडे पड़ेगा ठीक है तो हर महीने के लास्ट संडे आपका एक, एक ऐसे फुल फ्लेजेड टेस्ट होने वाला है शुरुआत से लेकर हम लोगों ने जितना भी उस दिन से पहले तक पढ़ा होगा वो सारा कुछ आएगा ठीक है तो हमेशा मतलब ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं है कि मेरा कितना सिलेबस आएगा कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे राइट मैंने आप लोगों से ये भी बोला था कि हर क्लास के एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आगे आने वाली क्लास से पहले आपको क्या क्या रिवाइज करना है जिससे जो रिकॉर्डेड स्टूडेंट्स होंगे जो आज से एक दो महीने बाद गूगल ड्राइव वगैरह लेकर क्लासेस को परचेज करेंगे और फिर देखेंगे तो उन लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो वो उन लोगों के मन में अगर ये भी है ना कि मेरे को चार लेक्चर्स बैक टू तो बैक देखने है अगर मान लो ऐसा कोई प्लान भी करके बैठा हुआ है तो दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले क्या क्या रिवाइज करना है दे नो इट वेरी वेल राइट ओके तो अभी हम लोगों के लिए मैंने आप लोगों को आज बताया था कि हम लोग एक क्यूम्यूलेटिव क्विज कंडक्ट करेंगे पहले चारों के चारों लेक्चर्स को आप लोगों को आज रिवाइज करके आना था रिविजन आप लोग कहाँ से करोगे तो एल पर मैं सबरी नोट्स लगातार अपलोड कर दे रहा हूं ठीक है एल पर हर लेक्चर के बाद उसके सबरी नोट्स अपलोड हो जा रहे हैं और उसकी क्विजेज अपलोड हो जा रही हैं तो जब भी मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप अगली क्लास में इन इन लेक्चर्स का रिविजन करके आओगे तो आपको रिविजन कहां से करना है आपको रिविजन करना है उन उन लेक्चर्स के सबरी नोट्स से उन सबरी नोट्स में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको रिवाइज करने और उन उन लेक्चर्स से रिलेटेड जो भी क्विजेज हैं वो क्विजेस भी आपको देनी है ठीक है तो आई डू दिस इन एवरी बैच मैं हमेशा बताता हूँ स्टार्टिंग में कि गूगल कैलेंडर कैसे बनाओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खुद से मार्क करो एंड सो ऑन समरी नोट्स खुद से बनाओ कैसे करो एंड ऑल दैट लेकिन uh, कुछ लोग ही कर पाते हैं लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं और फिर वो कन्फ्यूज हो जाते हैं या फिर कई बार समझ ही नहीं आता जैसे मैं जब स्टूडेंट था ना तो अगर मुझे कोई समरी नोट्स बनाने के लिए बोलता था तो मैं मेरी समझ ही नहीं आता था मैं समरी नोट्स को इतना एलेबरेट बना देता था कि वो एक किताब के फॉर्म में ही ले लेता था और उसमें मेरा बहुत सारा टाइम चला जाता था तो इस बार मैंने आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए क्या किया है हर लेक्चर के बाद के समरी नोट्स मैं आपको खुद दे रहा हूँ हर लेक्चर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने हैं वो भी मैं आपको खुद दे रहा हूँ हर लेक्चर को कॉम्प्रिहेंसिवली रिवाइज करने के लिए एम क्विज बनाकर मैं आपको खुद दे रहा हूँ ठीक है लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें एल पर अपलोड हो रही हैं है? तो एज सुन एज यू टेक द सब्सक्रिप्शन यू सेंड मी योर पेमेंट रिसीट ऑन माई व्हाट्सएप नंबर एट डबल फोर डबल सेवन फाइव सेवन वन सिक्स सेवन एल सेंड यू एन एनरोलमेंट की और उससे आप लोग एल एम एस को ज्वाइन कर सकते हो अब मैं आपको जब भी कोई बोलूंगा कि अब आने वाली क्लास से पहले आपको ये ये लेक्चर्स रिवाइज करने हैं तो आप उन, -उन लेक्चर्स के सिंपली जाके समरी नोट्स देखोगे उन समरी नोट्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंशन है वो देखोगे और उनके क्विजेस लोगे ऐसे साथ साथ जब आपका क्यूमलेटिव रिविजन चलता रहेगा तो आपको कभी किसी टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है ऐसे साथ साथ अगर आपका रिविजन चलता रहेगा तो आपको कभी भी किसी आ, किसी भी उसमें किसी भी टेस्ट में कोई किसी भी एग्जाम में किसी भी टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अग्री कर रहे हो सब लोग इस बात से अग्री कर रहे हो सब लोग इस बात से ठीक है चलो हम लोग शुरू कर रहे हैं अपनी क्विज और जितने भी लोग वाला लेक्चर पर देख रहे हैं आप लोग प्लीज यूट्यूब पर लाइक कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए इनकम फिफ्टी लाख रुपीज अपन करोड़ रुपीज कमऑन वट इज अर्चार्ज रेट कमऑन कमॉन कम ऑन एवरी वन वर्चार्ज रेट मुझे आंसर चाहिए आप लोगों के राइट सेवन परसेंट टेन परसेंट बी ए सेवन परसेंट टेन परसेंट ओके गुड वेरी गुड तो यूट्यूब पे सभी लोग गलत आंसर दे रहे हैं यूट्यूब पे जितने भी लोग देख रहे हैं वो सब गलत आंसर देख रहे हैं और जो ऐप पे देख रहे हैं उनमें से मैक्सिमम लोग सही आंसर दे रहे हैं भाई कंपनी में सरचार्ज लगता है एक करोड़ की इनकम के ऊपर तो कंपनी की इनकम अगर पचास लाख से एक करोड़ तक है तो उस पर कोई सरचार्ज सरचार्ज नहीं लगेगा। कंपनी पर लगता है एक करोड़ की इनकम से ऊपर सेक्शन सेवन द टोटल इनकम नॉट एक्सीड द डिफॉल्ट स्कीम मैक्सिमम डिबेट क्या uh, क्या होती है कमॉन कमान एवरी वन

डिफॉल्ट टैक्स रिशीम साढ़े छह लाख की इनकम पर क्या होगी टैक्स लाइबिलिटी वेरी नाइस ऑप्शन सी विल बी योर आंसर ठीक है जीरो नेक्स्ट विच स्टेप इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोसेस टू द रिबेट अंडर सेक्शन ए फॉर एन इंडिविजुअल टोटल इनकम एक्सीड सेवन लाख रुपीज कमऑन अगर टोटल इनकम सात लाख क्रॉस कर रही है तो रिबेट निकालने के लिए तीन स्टेप्स है ठीक है अब कौन सा स्टेप इनमें से वो वाला स्टेप नहीं है

ठीक है एंड uh, जो एल एम एस पर uh, मैंने आपको जैसे दिखाया था कि फोरम्स भी क्रिएट होते हैं तो आई एम जस्ट लविंग इट बिकॉज एवरी मैसेज दैट यू सेंड ऑन फोरम मेरे पास उसका ई मेल नोटिफिकेशन आता है ठीक है एंड दैट इज वेरी गुड क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना मान लो अगर मैं कोई ऐसे टेलीग्राम ग्रुप बना देता है या कुछ भी होता तो आप लोगों के कई सारे मैसेजेस मेरे से मिस हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारी इधर उधर की बातें भी टेलीग्राम ग्रुप्स में चलती रहती हैं ओए तूने ये किया क्या तूने ऐसा किया क्या तूने वैसा किया क्या लेकिन ये जो एलिमेंस मैंने बनाया है इसमें जो फोरम्स पर चीज़ें आती हैं वो एकदम स्पेसिफिक चीज़ें आती हैं तो एग्जाम रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड कोई सोल्यूशन आएगा एंड एवरी एवरी सिंगल मैसेज दैट यू पोस्ट ऑन फोरम इज सेंड टू मी एज एन ई ठीक है तो इस इस वाले क्वेश्चन को लेकर मैंने देखा था कई सारे लोगों को डाउट आया था ठीक है क्या ठीक है तो है क्या इसकी टोटल इनकम पांच करोड़ एक लाख रुपए इसकी टोटल इनकम है पांच करोड़ एक लाख रुपये ठीक है अब तीस परसेंट देखो न्यू स्कीम के बारे में बात हो रही है तो जीरो से थ्री लाख नील लाख 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 से 6 ,00 5%, 6 ,00 से 9 10%, 9 ,00 से 12 15%, uh, sorry, 9 ,00 से 12 uh, 9 ,00 से 12 uh, 15%, हाँ, 9 ,00 से 12 15%, 12 से 15, uh, 12 से 15, 20%, और 15 ,00 के थर्टी परसेंट ठीक है पंद्रह लाख के ऊपर की जितनी भी इनकम होगी वो तीस परसेंट से टैक्सेबल होगी तो यहाँ पर अगर मैं पंद्रह लाख ,00 को माइनस कर देता हूं तो कितना आता है फोर लाख एटी सिक्स थाउजेंड आता है ठीक है? है, है मतलब ये वाली जो और हम लोगों से यही पूछा गया कि बताओ ये इनकम, इनकम की कितनी परसेंटेज है वॉट परसेंटेज ऑफ योर टोटल इनकम टैक्स परसेंट ठीक है तो टोटल तो इनकम तो हमारी फाइव लाख फाइव करोड़ एक लाख है तो अगर एक्स परसेंट ऑफ फाइव करोड़ एक लाख को मान मालूम फोर करोड़ एटी सिक्स लैक्स ठीक है क्योंकि आई होप ये वाली बात समझ में आ रही है पंद्रह लाख के ऊपर जो इनकम होगी वही तो तीस परसेंट से टैक्सेबल होगी तो पांच करोड़ एक लाख में से अगर मैं पंद्रह लाख माइनस कर देता हूं तो चार करोड़ छियासी लाख ये वाली जो इनकम है ये तीस परसेंट के रेट से टैक्सेबल होगी तो ये इसके कितना परसेंटेज है तो हमने कर लिया एक्स परसेंट ऑफ परसेंट ऑफ दिस करोड़ लाख रुपीज तो एक्स परसेंटेज इज इक्वल टू फोर करोड़ एटी सिक्स लैक्स अपॉन फाइव करोड़ वन लाख ठीक है तो एक्स आ जाएगा फोर करोड़ एटी सिक्स लैक्स अपॉन फाइव करोड़ वन लाख इन टू हंड्रेड ठीक है ये आपका हो जाएगा तो फोर करोड़ 86 लाख डिवाइडेड बाई 5 करोड़ 1 लाख ,00 इनटू 100 कितना आया 97.00 तो ये कितना आ गया 97 परसेंट आपका आंसर आ गया है ठीक है 97 परसेंट आपका आंसर आ गया ये वाला क्वेश्चन अब सबको समझ में आ रहा है अब सब लोगों को ये समझ में आ रहा है अब सब लोगों को 97 परसेंट समझ में आ रहा है गॉट इट समीर मोहम्मद वेरी गुड ठीक है प्रिया हिमांशी बहुत बढ़िया बहुत शानदार बहुत ही अमेजिंग ठीक है चलो राइट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एरा अंडर वॉट कंडीशन कैन एन इंडिविजुअल अबेल द फुल रिबेट अंडर सेक्शन एटी सेवन ए फॉर असेसमेंट ईयर इौबीस पच्चीस कमऑन अंडर वॉट कंडीशन कैन एन इंडिविजुअल क्लेम द फुल रिबेट अंडर 87 ए, एर असेसमेंट इयर चौबीस पच्चीस कमॉन कमॉन एवरी वन आप राइट बी इज द करेक्ट आंसर टोटल इनकम आपकी सात लाख को क्रॉस नहीं करनी चाहिए ठीक है टोटल नंबर टोटल इनकम आपकी सात लाख को क्रॉस नहीं करनी चाहिए और इनकम के अंदर कोई भी ऐसी इनकम नहीं होनी चाहिए जिसपे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगता है जैसे एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था 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 ना जिसके अंदर कैपिटल कैपिटल गेन्स गेन्स लॉन्ग टर्म सेक्शन वाला तो वहां पर इवन दो बेसिक एग्जेन लिमिट का एग्जेम्पन आपको मिला लेकिन उसके ऊपर जो भी टैक्स रेट था वो बीस से टैक्स लग गया तो फुल रिबेट नहीं मिल पाई ठीक है फुल रिबेट का मतलब क्या हुआ फुल रिबेट का मतलब जितनी आपकी टैक्स लाइबिलिटी आई पूरे के पूरे छूट गई ठीक है पूरी की पूरी की छूट मिल गई आपको दैट इज फुल रिबेट ऑल राइट नेक्स्ट द प्राइमरी पर्पज ऑफ रिबेट अंडर सेक्शन सेवन ए इज टू इज द प्राइमरी पर्पज द प्राइमरी पर्पज द प्राइमरी पर्पज एनकरेज इन्वेस्टमेंट्स इन स्पेसिफाइड सेविंग्स प्रोवाइड रिलीफ टू हाई इनकम अर्नर्स रिड्यूस टैक्स बर्डन ऑन लोअर इनकम इंडिविजुअल्स ऑफसेट कैपिटल गेन्स टैक्स ऑब्वियसली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर

किस रेट से टैक्स लगेगा आपका ओल्ड स्कीम के बारे में बात हो रही है ऑब्वियसली पर, ठीक है? न्यू स्कीम के बारे में अगर बात हो रही होती, तो स्पेसिफाइड होता, कुछ नहीं है तो ओल्ड स्कीम इनकम थाउजेंड रुपीज टैक्स रेट अप्लाइड टू दी अमाउंट एक्सीडिंग percent. वेरी गुड If नेक्स्ट क्वेश्चन individual has अ टोटल इनकम ऑफ twelve लाख rupees, हाउ मच इज टैक्स एट thirty percent इन the ओल्ड स्कीम कमॉन come on. Come on, come on, come on, ,00 at 30% in the इफ scheme? रेजिडेंट इंडिविजुअल इनकम ऑफ कितने लाख रुपए पर टैक्स लगेगा में कितने पर टैक्स लगेगा? दो लाख पर टैक्स लगेगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया नेक्स्ट फॉर एन इंडिविजुअल इनकम ऑफ ट्वेल्व लाख पोर्शन ऑफ द इनकम इज नॉट टैक्स इन द न्यू स्कीम कमॉन

Class mein kya hai, hum wala question. Uh, 1250. Absolutely. Next. What does Article 265 of the Constitution of India state? Taxes can be imposed without any law. Only the state government can impose taxes. Government cannot impose tax without the authority of law. All taxes are to be collected by the Union government. Come on.

Entry 82 of the union list, option C. Next, which of the following is not a head of income under the Income Tax Act? Income from salaries, income from investments, PGBP, yeah, capital gains. Come on. Come on, come on, everyone. <coughs> income from investments. Next, what is the relationship between previous year and the assessment year? What is the relationship between the previous year and the assessment year? Perfect. Ho gaya. The assessment year follows the previous year. Option A is the answer. Next, what major change occurred in the taxation scheme from previous year 2324? What major change occurred in the taxation scheme from previous year 2324? The new scheme became the default scheme. Next, what is the basic exemption limit for senior citizens under the old scheme for assessment year job is purchase? Old scheme, mein, senior citizens' ke basic exemption limit. Kya hai?

चलो बहुत बढ़िया तो जितने भी लोग YouTube पर देख रहे हो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और आओ हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना दिस इज चैप्टर नंबर फोर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ठीक है तो जितने भी लोग YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहां से आप लोग इस नोट्स इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो और जो पेड वाले यूजर्स हैं आप लोगों के लिए तो नोट्स क्लास प्लस के कंटेंट फोल्डर में मैंने डाली दिए बाकी प्रिंट अगर आपको करवाने हैं तो आप भी गूगल ड्राइव को यूज कर सकते हो ठीक है चलो अब मैं आप लोगों को कुछ इं, आ, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाला हूँ अब मैं आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूँ हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बड़ा ही इंटरेस्टिंग बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है छोटा सा चैप्टर है जल्दी खत्म हो जाएगा आई थिंक पाँच क्लासेस लगनी चाहिए बस ठीक है ना वो डिपेंड करता है थ्रोट की वजह से अगर क्लासेस का ड्यूरेशन छोटा करना पड़ा तो फिर थोड़ी सी मे बी सिक्स क्लास लग सकती है अदरवाइज पाँच क्लासेस डेढ़ डेढ़ घंटे की या दो घंटे की पांच क्लासेज आर मोर देन हफ ठीक है हाउस प्रॉपर्टी ना बड़ा सिंपल सा है अब यहां पर भी क्या होगा जब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों के बहुत सारे कंफ्यूजन आएंगे बहुत सारी चीजें आप लोगों के मन में आएंगी ठीक है तो रुको मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूं मैं आप लोगों को एक चीज दिखा रहा हूं देखिए मी शो यू दिस देखो तो एल पर यह जो कोर्स है आपका ठीक है एल एम एस पर यह जो आपका कोर्स है इसमें मैं एडिट मोड ऑफ कर देता हूँ ये मेरा डैशबोर्ड है ये आपका डैशबोर्ड नहीं है मेरा डैशबोर्ड है ठीक है तो यहाँ पर आप लोग देखो ये डीटी के चैप्टर नंबर फोर में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर मैंने डिस्कशन फोरम ऑन कर दिया है ठीक है तो अगर किसी को भी कोई भी मन करता है वैसे तो आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे बाई द टाइम वी क्लियर एंड दिस चैप्टर ठीक है लेकिन फिर भी क्योंकि ये हर हर बारी मैं बताता हूँ आपको कि जब चैप्टर एंड होगा ना जब तक चैप्टर एंड होगा तब तक आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे लेकिन फिर भी बीच में अगर आपकी हैं, तो इन को आप लोग क्यूरियोसिटीज uh, तो लो को अपनी यहां पर करते मुझे बड़ा मजा आता है क्योंकि फिर आप लोगों के रिप्लाइज भी आते हैं गेट टू नो एंड सी स्टूडेंट्स के कौन कौन कितना ज्यादा इन्वॉल्व है यहाँ पर तो मुझे बड़ा मजा आता है डिस्कशन फोरम टू मी ठीक है तो ये आप लोग इस तरह से कर सकते हो तो यहाँ पर आप लोग डिस्कशन पूरा मॉन कर दिया है बाकी बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है आपका जो भी डाउट्स होंगे आपके जितने भी डाउट्स होंगे बाय द टाइम वी फिनिश ऑफ द चैप्टर ये पूरा का पूरा सारे के सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो चुके होंगे जो आप नहीं भी सोच सकते हो ना वो भी क्लियर हो चुका होगा आओ देखते तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या है आपके पास अगर एक हाउस प्रॉपर्टी है जैसे में मेरे पास नोएडा में एक मकान है ठीक है मेरे पास सपोज नोएडा में एक मकान है अभी मैं नोएडा में तो रहता नहीं हूँ अभी मैं यहाँ पर प्रयागराज में रहता हूं ठीक है तो अब नोएडा वाला मकान मेरे पास खाली पड़ा हुआ है अब मेरे पास दो ऑप्शन है या तो मैं उसको बेच दूं या मैं उसको किराए पर दे दूं तो मैंने उसको किराए पर दिया हुआ है और हर महीने मेरे पास तीस हजार uh, रुपए का किराया आ जाता है ठीक है हर महीने मेरे पास तीस हजार uh, रुपए का किराया आ जाता है साल का कितना किराया हो किराया हो गया साल का किराया हो गया तीन लाख साठ हजार साल का किराया हो गया तीन लाख साठ हजार सरकार कहती है यह है आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सरकार कहती है यह है आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ठीक है सरकार कहती है यह है आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और सरकार मुझसे कहती है कि इसको इसके ऊपर आप टैक्स दो जो भी आपके नॉर्मल रेट्स हैं

मान लो मैंने मकान के लिए लोन लिया हुआ था और उस लोन पर मैं खर्चा दे रहा हूं उस लोन पर मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं ठीक है मान लो एक करोड़ का लोन था मान लो एक करोड़ का लोन था और इस पर आठ परसेंट का इंटरेस्ट लग रहा है का चलो, जैसे दो परसेंट का मान लो दो परसेंट का इंटरेस्ट लग रहा है यानी दो लाख रुपए तो हर साल मुझे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है दो लाख रुपए मुझे हर साल इंटरेस्ट देना पड़ रहा है अगर मैं सरकार से ये कहूँ अगर मैं सरकार से ये कहूं कि सर मेरी इनकम तीन लाख साठ हजार रुपये है बड़ी अच्छी बात है लेकिन ये मेरा खर्चा भी तो हो रहा है लेकिन ये दो लाख रुपये जो हर साल मेरे को देना पड़ रहा है ये मेरा खर्चा भी तो हो रहा है तो आप इस इनकम में से इस खर्चे को अगर माइनस करोगे आप इस इनकम में से अगर इस खर्चे को माइनस करोगे तो देखो तो मेरी जो इनकम आ रही है वो तो एक लाख साठ हजार रुपये ही आ रही है जो बात मैं सरकार से कह रहा हूं क्या वो आपको लॉजिकल लग रही है कि भाई मुझे इनकम आ रही है तीस हज़ार रुपए महीने की ठीक है साल भर में मैंने तीन लाख साठ हज़ार रुपए कमाए लेकिन मकान मैंने खरीदा था मकान खरीदने के लिए मैंने लोन लिया था लोन पर हर साल में दो दो लाख रुपए का इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ ठीक है, है ये मेरा खर्चा है ये मेरी इनकम है ये मेरा खर्चा है तो इनकम में से इनकम में से रिसीट्स में से मैंने खर्चा माइनस किया और ये सोलह हजार रुपए जो मेरे एक लाख साठ हजार रुपये जो मेरी इनकम आई मैं सरकार से कह रहा हूं कि ये है मेरी इनकम ये तो मेरी रिसीट्स थी ये तो मेरे रिसीट्स थे रिसीट्स में से मैंने एक्सपेंसेस को जब माइनस किया तब जाकर मेरी इनकम आ रही है क्या ये बात आप लोगों को लॉजिकल लग रही है क्या मेरी ये वाली बात आपको लॉजिकल लग रही है यस सर फुल लॉजिकल है सक्षम वंदना फेरफ यस अनुज प्राजक्ता कशिश सरकार ने कहा बिल्कुल सही बात कही आपने सरकार ने कहा कि बिल्कुल सही बात कही आपने ठीक है तो मैंने कहा चलो ठीक है तो तीन लाख साठ हजार रुपए में से तीन लाख साठ हजार रुपए में से मैंने दो लाख रुपए माइनस कर दिया मैंने दो लाख रुपए माइनस कर दिया अब मैं सरकार से क्या कह रहा हूं अब मैं सरकार से कह रहा हूं कि सर एक बात और है अगर आप बुरा ना माने तो, तो मैं आपसे बोलूं सरकार ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल बोलो मैंने कहा कि सर नोएडा वाले मकान में ना वो जो किराएदार रह रहे हैं वो मेंटेनेंस का खर्चा नहीं देते ठीक है मेंटेनेंस का खर्चा वो लोग देते नहीं है मेंटेनेंस का खर्चा मुझे ही देना पड़ता है क्योंकि वो सोसाइटी में फ्लैट है तो जितने भी फ्लैट्स हैं सोसाइटीज में होते हैं हर साल आप लोगों को कुछ ना कुछ मेंटेनेंस देनी होती है तो मुझे मेंटेनेंस का खर्चा देना पड़ता है प्लस मैंने उस फ्लैट के लिए पार्किंग अलग से परचेज कर रखी हुई है प्लस मैं वहां पर सीवरेज का पैसा अलग से देता हूँ इलेक्ट्रिसिटी बिल का पैसा अलग से देता हूँ बहुत सारा मेरा खर्चा होता है सर तब जाके ये तीन लाख साठ हजार रुपये मेरे को रिसीव होता है

हम आपको फ्लैट थर्टी परसेंट का डिडक्शन दे रहे हैं फ्लैट थर्टी परसेंट कितना होता है तीन लाख साठ हजार में तीन लाख साठ हजार का तीस परसेंट कितना हो गया एक लाख आठ हजार ठीक है ये सरकार और दिया तीन लाख ,00, आठ हजार रुपए माइनस हो गया अब इससे ज्यादा माइनस नहीं होगा ठीक है तीन लाख साठ हजार में से तीन लाख साठ हजार में से तीन लाख आठ हजार माइनस हुआ फिफ्टी टू थाउजेंड रुपीज रह गई आपकी इनकम फिफ्टी टू थाउजेंड रुपीज रह गई आपकी इनकम अब सरकार कह रही है रुपए पर टैक्स दे दो क्या आप लोगों को यह चीज फेयर लग रही है ठीक है मैं रिपीट कर दे रहा हूं नोएडा वाला मकान मैंने दिया हुआ है किराए पर तीस हजार रुपये महीना किराया आ रहा है साल का आया तीन लाख साठ हजार सरकार ने कहा टैक्स दो मैंने कहा सर मैंने लोन लिया हुआ है एक करोड़ रुपए का

इस वाली चीज में मैं सरकार के साथ कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकता सरकार कहती है कोई बात नहीं अगर तुम पांच करोड़ का भी लोन लोगे ना अगर तुम पांच करोड़ का भी लोन लेते हो तो जितना भी उस पर इंटरेस्ट पे करोगे वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट का रिडक्शन अलाउड है उसमें सरकार कहती है कोई पंगा है ही नहीं ठीक है दूसरी चीज कई सारे जनरल खर्चे होते हैं कई सारे नेसेसरी होते हैं कई सारे लग्जूरियस खर्चे होते हैं ठीक है यहां पर थर्टी को लेकर कई सारे लोग बोलेंगे कि सर मान लीजिए हमारा एक्चुअल खर्चा तीस से ज्यादा हुआ तो मान लीजिए सर हमारा तीस परसेंट से ज्यादा हुआ खर्चा तो बिल्कुल सही है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन कुछ खर्चे नेसेसिटी होते हैं और कुछ खर्चे लग्जूरियस खर्चे होते हैं जैसे किसी एक सोसाइटी में अगर आप एक फ्लैट लेते हो तो एक गाड़ी की पार्किंग स्पेस हमेशा सबको मिलती है ठीक है एक गाड़ी की पार्किंग स्पेस हर फ्लैट ओनर को मिलेगी अब आपको अगर एडिशनल पार्किंग स्पेस चाहिए तो मतलब आपके पास एक और गाड़ी है तो आपके पास एक और गाड़ी है तो आप मल्टीपल पार्किंग स्पेसिस परचेज कर सकते हो अब ये कोई नेसेसिटी खर्चा थोड़ी है ये तो खर्चा है ठीक है आप बिजली का बिल दे रहे हो ठीक है सोसाइटी ने फिक्स कर रखा है इतने आपके जनरल बिजली चार्जेस हैं उसके ऊपर आप जितना यूज करोगे जैसे गुड़गांव में एक सोसाइटी खुली है अभी डीएलएफ की ठीक है उस सोसाइटी में ऐसा है कि जब लाइट नहीं होती है तो जनरेटर कितना आप कंज्यूम कर रहे हो उसके भी चार्जेस आपको देने होते हैं तो वो आप ऐसे तो दिखा दोगे कि ये सोसाइटी के चार्जेस लेकिन क्या ये नेसेसिटी नहीं तो कुछ खर्चे तो नेसेसिटी होते हैं कुछ खर्चे लग्जूरियस होते हैं तो सरकार ने यहां पर एक सिंपल सी चीज बोली कि इस अमाउंट का थर्टी परसेंट हम फ्लैट डिडक्शन देंगे अगर थर्टी परसेंट से कम आपका खर्चा हो रहा है वेरी गुड कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फिर भी आपको एक लाख आठ हजार रुपए का डिडक्शन मिलेगा

जल्दी बताइए यहां तक की बात सबको क्लियर है यस चलो बहुत बढ़िया कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है एकदम सिंपल सी बात है एकदम सिंपल सी बात है है ना अब देखो मैंने क्या चाल चली अब देखो मैंने क्या चाल चली मैंने क्या चाल चली मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना मैंने कहा कि मैं तीस हजार रुपये किराया ले रहा हूं मैं तीस हजार किराया ले रहा हूं और मेरी इनकम आ रही है फिफ्टी टू थाउजेंड रुपीज पैंतीस हजार रुपए किराया ले रहा हूं मेरी इनकम आ रही है इसको हम लोग बोलेंगे नेट एनुअल वैल्यू ठीक है इसे हम लोग बोलेंगे क्या नेट एनुअल वैल्यू साल भर में जितनी भी आपके पास नेट एनुअल वैल्यू आई वो राइट मैंने क्या किया मैंने क्या किया अच्छा चलो नेट एनुअल वैल्यू से पहले एक चीज और होती है फटाफट से बता देता हूं तो बेसिकली वैप इज यू हैव हैव द द ग्रॉस ग्रॉस एनुअल एनुअल वैल्यू वैल्यू यू ठीक है उसमें से टैक्सेस माइनस किए जाते हैं और उसके बाद आपके पास आती है नेट एनुअल वैल्यू ठीक फिर नेट एनुअल वैल्यू में से ये दो चीजें माइनस की जाती हैं और फिर आपके पास आती है इनकम फ्रॉम उस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ठीक है अब ये म्यूनिसिपल टैक्सेस क्या होता है इसके बारे में हम लोग अभी बाद में बात करेंगे हमारा जो एग्जाम्पल है यह वाला जो तीस हजार वाला है मान के चलो अभी फॉर एग्जाम्पल म्यूनिसिपल टैक्सेस जीरो है ठीक है म्यूनिसिपल टैक्सेस क्या होते हैं कौन लगाता है कैसे उसका रिडक्शन मिलता है वगैरह वगैरह उसके बारे में हम, हम लोग इवेंचुअली अभी बात करेंगे आज ही की क्लास में थोड़ी देर में हम लोग बात करेंगे ठीक है अभी फिलहाल के लिए आप मानकर चलो कि म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड हमारे जीरो हैं ठीक है थेके? तो जो यहां पर ग्रॉस एनुअल वैल्यू आएगी तीन लाख साठ हजार रुपए उसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस को अगर हम माइनस भी कर देते हैं तो नेट एनुअल वैल्यू यही आ जाएगी तीन लाख साठ हजार रुपए ठीक है अगेन आई एम सेइंग म्यूनिसिपल टैक्सेस क्या होते हैं कैसे लगते हैं कितना डिडक्शन मिलता है वगैरह वगैरह उसके बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर में बात करेंगे अभी फिलहाल के लिए आप मानकर चलो कि म्यूनिसिपल टैक्सेस वाली जो वैल्यू है वो जीरो है तो अगर ग्रॉस एनुअल वैल्यू मेरी तीन लाख साठ हजार है तो नेट एनुअल वैल्यू भी मेरी तीन लाख साठ हजार रुपए ही आएगी ठीक <coughs> है यहां तक हम लोग सेम पेज पर हैं आपको ये बात समझ में आ रही है यहां तक आप और मैं सेम चीज सेम सेम सेम, सेम पेज पर आ गए ठीक है तो म्यूनिसिपल टैक्सेस को फॉर द टाइम भी हम लोग मानकर चलेंगे जीरो है अब सुनो। तीन लाख साठ हजार रुपए मेरी ग्रॉस एनुअल वैल्यू तीन लाख साठ हजार रुपए मेरी ग्रॉस एनुअल वैल्यू तीन लाख साठ हजार रुपए मेरी ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे आई जब मैं तीस हजार रुपए किराया ले रहा हूं किरायेदार से अब सुनो मैंने क्या किया मैंने किराएदार से कहा मैंने किराएदार से कहा कि एक काम करते हैं। तीस हजार छोड़ तीस हजार दे रहे ना तो तुम मुझे बीस हजार दो तो मुझे सिर्फ बीस हजार दो किराएदार खुश हो गया <coughs> किराएदार जो है वो तो खुश हो गया कहता है अरे वाह आपने हमारा रेंट कम कर दिया मैंने कहा नहीं ये रेंट नहीं कम किया रेंट थर्टी थाउजेंड ही है आप मुझे बैंक में बीस हजार दो और कैश में दस हजार दे दो आप मुझे बैंक में बीस हजार दो और कैश में दस हजार दो तो एवरी मंथ वेन्यूल पे मी रेंट एवरी मंथ वेन्यूल पे मी रेंट यू सेंड मी टेन थाउजेंड रुपीज कैश ठीक है या नोएडा से यहाँ पर भेज पाना मुश्किल है कोई बात नहीं मैं मेरा महीने में एक चक्कर लगता ही रहता है दिल्ली में तो जब भी मैं आऊं आप मेरे को दस हजार रुपये हर महीने कैश दे दो और बैंक अकाउंट में हर महीने की पहली तारीख को बीस हजार रुपए मेरे ट्रांसफर कर दो ठीक इससे क्या होगा आपको तो कुछ नहीं है आपका तीस हजार रुपए का रेंट जा रहा था आपका अभी भी तीस हजार रुपये का रेंट जा रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है मेरा क्या फायदा होगा मेरा ये फायदा होगा कि अब मैं सरकार से कहूंगा कि रेंट तो मुझे बीस हजार मिल रहा है अब मैं सरकार से क्या कहूंगा कि मुझे रेंट जो है वो तो मेरी टू लाख फोर्टी थाउजेंड रूपीज ग्रॉस एनुअल वैल्यू ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड फिर आएगी हमारी नेट एनुअल वैल्यू ठीक है एक्चुअल क्या है

इंटरेस्ट ऑन लोन क्या यहां पर पहले मैं कर देता हूं थर्टी परसेंट ऑफ एन 30% थर्टी परसेंट ऑफ एनएवी ठीक है थर्टी परसेंट ऑफ एन एव यहां पर कितना था तीन लाख साठ हजार में एक लाख आठ हजार था एक लाख आठ हजार ठीक है और यहां पर क्या हो जाएगा दो लाख चालीस हजार का थर्टी परसेंट देखो कितना दो लाख चालीस हजार का थर्टी परसेंट हो रहा है सेवेंटी टू थाउजेंड ठीक है और इंटरेस्ट इंटरेस्ट यहां पर दो लाख का मैं दे रहा था यहां पर भी मैं दो लाख का इंटरेस्ट दूंगा यहां पर भी मैं दो लाख का इंटरेस्ट दूंगा देखो तीन लाख साठ हजार माइनस एक लाख आठ हजार माइनस दो लाख कितना आ गया फिफ्टी टू थाउजेंड और यहां कितना आ गया दो लाख चालीस हजार माइनस सेवेंटी टू थाउजेंड माइनस टू लाख कितना आ गया यहां पर आ गया थर्टी टू थाउजेंड का लॉस यह आ गया थर्टी टू थाउजेंड का लॉस ठीक है एक्चुअल सिनेरियो सिनेरियो क्या है है एक्चुअल फिफ्टी टू थाउजेंड रुपीज की इनकम हो रही है दिस इज द एक्चुअल सिनेरियो कि मुझे रुपीज की इनकम हो रही है और मैं मैनिपुलेट करके क्या दिखा रहा हूं मैं मैनिपुलेट करके दिखा रहा हूं कि सर मेरे को तो थर्टी टू थाउजेंड रुपीज का लॉस हो रहा है सर मेरे को तो थर्टी टू थाउजेंड रुपीज का लॉस हो रहा है अब आप पूछोगे सर लॉस दिखाने का आपको फायदा क्या है ठीक है अगर मैंने यहां पर मान लो लॉस दिखा दिया तो उसका फायदा क्या है उसका फायदा ये होता है कि अगले साल जब भी मेरी इनकम होगी ना अगले साल अगर मान लो मेरी लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं अगर अगले साल सपोज हमारा मेरी पांच लाख रुपए की इनकम होती है ठीक है तो मैं पांच लाख में से थर्टी टू थाउजेंड रुपीज माइनस कर दूंगा पांच लाख में से थर्टी टू थाउजेंड माइनस कर दूंगा

टेक्निकल टर्म्स में इसको बोलते हैं सेट ऑफ का बेनिफिट कि पिछले साल साल का लॉस आप इस साल की इनकम से सेट ऑफ़ कर सकते हो और बची हुई इनकम पर ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा ठीक है आपको ये बात समझ में आ रही है कि लोग किस तरह से अपनी लोग अपनी ग्रॉस एनुअल वैल्यू को मेन्यपुलेट कर सकते हैं मैं कह रहे अरे ये, ये तो गड़बड़े बिल्कुल सही बात है ऐसे ही ऐसे ही गवर्नमेंट ने फील किया होगा ठीक है जय कह रहा है ऐसा तो मेरा पीजी वाले करते हैं ठीक है तो इस तरह से गवर्नमेंट को ये समझ में आ गई कि भाई साहब ये तो बहुत गड़बड़ है लोग इस तरह से कर रहे हैं लोग इस तरह से कर रहे हैं ये तो बहुत गड़बड़ है ठीक है लोग इस तरह से कर रहे हैं और ये चीज गड़बड़ है ठीक आओ देखो अब क्या होगा अब सरकार ने क्या किया इसको ठीक करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया अब सरकार ने क्या किया इसको ठीक करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया फॉर्मूला क्या बनाया फॉर्मूला बनाया ध्यान से सुनना सब याद हो जाएगा आप लोगों को कुछ कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा सब कुछ आसानी से हो जाएगा ठीक है लेकिन पेशेंस और प्रैक्टिस चाहिए होगी जैसे जब हम लोगों ने चैप्टर वन किया तो बहुत सारे रेट्स बहुत सारे सर्च आजेस बहुत सारी छोटी 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 चीजें अब आप लोगों को एकदम क्लियर है ठीक है और मैं एल पर लगातार देख रहा हूं

ठीक है आप बार 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 क्विजिस दो मैंने वहां पर सेटिंग ऐसी लगा रखी है कि जो भी आपकी लेटेस्ट क्विज का स्कोर होगा ना उसके बेसिस पर आपकी रैंकिंग काउंट होगी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर पांच के पांच बच्चे रैंक वन तो। को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा वही वही इंपॉर्टेंट है और क्योंकि हर बार ऑप्शन शफल होते रहते हैं तो उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको आंसर्स रट जाएंगे रट जाएं अच्छी बात है मैं तो चाहता हूं आपको याद हो जाए आंसर्स ठीक है उसी बहाने कम से कम बार 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 आप लोग प्रैक्टिस करो ठीक है तो आप लोग अपने भी डैशबोर्ड पर जाओगे ना आप अपने भी ग्रेड्स वाले सेक्शन पर क्लिक करोगे आपको अपनी रैंकिंग दिखाई देगी एज कम्पेयर टू ऑल द स्टूडेंट्स दैट हैव एनरोल्ड टू दैट कोर्स राइट सो कीप ऑन रिवाइजिंग एंड कीप ऑन पार्टिसिपेटिंग इन द क्विजेस तभी आपको रैंकिंग वगैरह पता चलेगी एनी वे क्विजेस के थ्रू रिविजन के थ्रू और प्रैक्टिस के थ्रू ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को याद हो जाएंगी ठीक है तो बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है आओ समझते हैं सरकार ने फॉर्मुला बनाया टू तो कैलकुलेट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू ठीक है ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए सरकार ने फॉर्मूला बनाया जिससे लोग इस टाइप की बेवकूफियां ना कर पाए ठीक सरकार ने कहा सबसे पहले आप ले लो म्यूनिसिपल वैल्यू सरकार ने कहा सबसे पहले आप ले लो म्यूनिसिपल वैल्यू हमने पूछा म्यूनिसिपल वैल्यू क्या होता है सर तो सरकार ने बताया हर प्रॉपर्टी के लिए

उसने क्या बताया उसने बताया इस प्रॉपर्टी की म्यूनिसिपल वैल्यू तीन लाख रुपए हमने कहा अच्छा, अच्छी बात है। फिर सरकार ने, सर? ने कहा सर कि देखो जिस लोकलिटी में तुम्हारा मकान सिचुएटेड है उस लोकलिटी में और भी मकान होंगे ठीक है जिस लोकलिटी में तुम्हारा मकान सिचुएटेड है उस लोकलिटी में और भी मकान होंगे तुम्हारे मकान जैसे ही होंगे सिर्फ तुम्हारा ही तो एक थ्री बी के नहीं है वहां पर ठीक है थ्री बी और भी होंगे ठीक है उस लोकलिटी में तो सेम लोकलिटी में सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टीज का मार्केट में क्या रेंट चल रहा है वो बता दो ठीक है अच्छा तो वो पता चला कि वो चल रहा है तीन लाख दस हजार रुपए पता चला कि वो चल रहा है तीन लाख दस हजार रुपये क्या पता चला पता चला कि ये चल रहा है तीन लाख दस हजार रुपये सरकार ने कहा इन दोनों में से जो भी ज्यादा है है वो ले लो तो ये था वन, ये था था ठीक है? सरकार ने कहा कि इन दोनों में से जो भी ज्यादा है वो ले लो हायर ऑफ वन एंड टू सरकार ने कहा इन दोनों में से जो भी ज्यादा है वो ले लो हमने कहा ज्यादा तो ये है तीन लाख दस हजार रुपये ज्यादा तो ये है लाख दस हजार रुपए फिर सरकार ने कहा अब आप जरा इस प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड रेंट देख लो।, लो. ये, ये म्यूनिस्पल वैल्यू आपने बता दी फिर रेंट हमें समझ में आ गया अब ये सारा स्टैंडर्ड रेंट क्या चीज है तो सरकार कहती है देखो तो एक चीज होती है उसका नाम होता है रेंट कंट्रोल एक्ट सरकार ने कहा एक चीज होती है जिसका नाम होता है रेंट कंट्रोल एक्ट ठीक है रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से एक फॉर्मूला है जिसके बेसिस पर किसी भी प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड रेंट कैलकुलेट किया जाता है ठीक है रेंट कंट्रोल एक्ट में एक फॉर्मूला दिया हुआ है जिसके बेसिस पर किसी भी प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड रेंट कैलकुलेट किया जाता है और ये उनके लिए है जो कि लैंड ओनर्स है बिल्डिंग के ओनर्स है तो बिल्डिंग ओनर्स जो है कभी भी अपने टेनेंट से से स्टैंडर्ड रेंट ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते ठीक है तो मेरे लिए है कि मैं स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा तो अपने किराएदारों से चार्ज नहीं कर सकता कलेक्ट नहीं कर सकता ठीक है तो सरकार ने कहा रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से स्टैंडर्ड रेंट क्या बन रहा है तुम्हारी प्रॉपर्टी का वो देख लो ठीक है स्टैंडर्ड रेंट है क्या रिपीट कर दे रहा हूं स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड रेंट इज एज पर द रेंट कंट्रोल एक्ट कि कोई भी ओनर कोई भी हाउस ओनर अपने टेनेंट से इससे ज्यादा रेंट वसूल नहीं कर सकता ठीक है सारी चीजें आप लोगों के नोट्स में दी हुई है, हैं कुछ आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है जितना मैं बोल रहा हूं बस आराम आराम से सुनते रहो तो स्टैंडर्ड रेंट क्या हो गया कि कोई भी ओनर अपनी प्रॉपर्टी के लिए इस पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा रेंट अपने किराएदार से चार्ज नहीं कर सकता इसको स्टैंडर्ड रेंट बोलते हैं ये वैल्यू कहां से आती है रेंट कंट्रोल एक्ट से आती है आपको एग्जाम में क्वेश्चन में दी हुई होगी ठीक है आपको एग्जाम में क्वेश्चन में दी हुई होगी ये जो स्टैंडर्ड रेंट आया ये जो स्टैंडर्ड रेंट आया ये आया सपोज तीन लाख बीस हजार रुपए तीन लाख बीस हजार रुपए ठीक है ये आया तीन लाख बीस हजार रुपए फिर सरकार ने कहा कि इन दोनों में से जो भी लोअर है इन दोनों में से जो भी कम है वो ले लो लोअर ऑफ थ्री एंड फोर लोअर ऑफ थ्री एंड फोर और इसका नाम दे दो एक्सपेक्टेड रेंट इसका नाम क्या दे दो इसका नाम दे दो एक्सपेक्टेड रेंट लोअर क्या हो गया लोअर आ गया तीन लाख दस हजार रुपए लोअर आ गया तीन लाख दस हजार रुपए क्लियर हो रही है बात तो सबसे पहले हम लोगों ने म्यूनिसिपल वैल्यू ली सबसे पहले हम लोगों ने म्यूनिसिपल वैल्यू ली विच इज द वैल्यू एज पर द म्यूनसिपैलिटी रिकॉर्ड्स। फिर हमने उसको कंपेयर किया फेयर रेंट से फेयर रेंट क्या है इसी लोकेलिटी में सिमिलर प्रॉपर्टीज का क्या क्या रेंट चल रहा है वो हो गया फेयर रेंट इन दोनों में से जो भी ज्यादा है हम लोगों ने वो लिया क्यों ज्यादा वाला ही क्यों लिया क्योंकि सरकार ने लॉ में फॉर्मुले में लिख रखा है

तुम्हारा एक्चुअल रेंट कितना है अब सरकार पूछ रही है अब जरा बताओ तुम्हारा एक्चुअल रेंट कितना है? ठीक कि तुम और फिर जो तुम्हारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी वो होगी हायर ऑफ फाइव एंड सिक्स जो तुम्हारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू है वो होगी हायर ऑफ फाइव एंड सिक्स ठीक है तुम अपना एक्चुअल रेंट बताओ अगर तुमने एक्चुअल रेंट अपना तीस हजार इंटू ट्वेल्व बताया अगर तुमने अपना एक्चुअल रेंट बताया तीन लाख साठ हजार रुपए ठीक है तो ये तो कितना आ जाएगा तीन लाख साठ हजार रुपए मान लो तुमने कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन किया मान लो तुम लोगों ने कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन किया और तुमने कहा कि नहीं नहीं जी मेरे को तो बीस हजार रुपए ही मिल रहा है मेरे को तो बीस हजार रुपए ही मिल रहा है तो कितना आएगा दो लाख चालीस हजार रुपए आएगा तो हायर क्या हो गया हायर हो गया आपका तीन लाख दस हजार रुपए और ये आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकलकर इस तरह से आएगी ठीक है तो दिस इज बेसिकली द फॉर्मुला फॉर कैलकुलेटिंग द ग्रॉस एनुअल वैल्यू व्हिच इज गिवन इन द इनकम टैक्स एक्ट व्हिच इज गिवन इन द इनकम टैक्स एक्ट अभी इससे रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के मन में और आ रहे होंगे कि सर तीन लाख साठ हजार आ रहा था यहां पर भी तो देखो सरकार को पचास हजार का लॉस हो गया सर ये जो म्यूनिसिपल वैल्यूज हैं फेयर रेंट है ये सब प्रैक्टिकली कहाँ कहाँ से मिलेगा सर इसमें भी तो मैनिपुलेशन पॉसिबल है सर ये तो अभी भी हो रहा है यहाँ पर यहाँ पर तो अभी भी मैनिपुलेशन हो रहा है ठीक है ये इस टाइप के बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में आएंगे ठीक है सारे के सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा सारे के सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा लेकिन उतने ही जितने आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है हमारा टारगेट अरे आज की क्लास में स्टार्टिंग में टारगेट ही पूछना बोलिए हमारा टारगेट क्या है फटाफट से चैट सेक्शन में बताओ हमारा टारगेट क्या है व्हाट्स आर टारगेट हमें अपने टारगेट से तो डिविएट होना ही नहीं है ना जल्दी से बताओ व्हाट्स आर टारगेट व्हाट्स आर टारगेट व्हाट्स आर टारगेट व्हाट्स आर टारगेट कम ऑन कम ऑन एवरी वन आर टारगेट व्हाट्स आर टारगेट वंदना हाइएस्ट मार्क्स इन टैक्सेशन हाइएस्ट मार्क्स इन टैक्सेशन हाईएस्ट मार्क्स इन टैक्सेशन ठीक वेरी नाइस तो हमारा टारगेट क्या है हाईएस्ट मार्क्स इन टैक्सेशन तो हम लोग कितना पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी डिस्कस उसको नहीं करेंगे उसके लिए मैंने फोरम से यहां पर बना रखे, आप लोग वहां पर अपनी बातें डाल सकते हो खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो अगर मन हो तो आपस में आप लोग डिस्कशन कर सकते हो लेकिन जब हम क्लासरूम में डिस्कशन करेंगे तो द क्लासरूम डिस्कशन विल नॉट गो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द ICAI का स्टडी मटेरियल बियॉन्ड द स्कोप ऑफ ICAI's CA इंटरमीडिएट्स एग्जामिनेशन ठीक है बाकी बहुत सारी चीजों से रिलेटेड डिस्कशन के लिए ही मैंने यहां पर डिस्कशन फोरम्स वगैरह बना रखे हैं एलएमएस में आपको मानो तो आप लोग डिस्कस करो मैं उन सारे डिस्कशंस में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करूंगा ठीक है ओके तो फार्मूला क्या निकल कर आया म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट उसके बाद हायर ऑफ 1 इन 2 फिर आप कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड लोअर होगा एक्सपेक्टेड रेंट आएगा फिर आप उसको करोगे एक्चुअल कर वैल्यू कर फिर वो दोनों चीजें फिर आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर्मेट आपका क्लियरली निकल कर आ गया है ठीक है कुछ चीजें और हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे लेकिन उससे पहले एक बार इन सारी चीजों को हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं ठीक है

देन सरकार से इन दोनों में से जो भी ज्यादा है वो आप यहां पर लिख दो देन सरकार से आप यहां पर स्टैंडर्ड रेंट लिख दो वट इज स्टैंडर्ड रेंट स्टैंडर्ड रेंट इज गिवन एज पर द रेंट कंट्रोल एक्ट फिर सरकार सेज, इन दोनों में से जो भी लोअर है वो आपका एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा वो आपका एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा ठीक है फिर सरकार से फिर आप उसको लिखो एक्चुअल रेंट वट इज योर एक्चुअल रेंट ठीक है और फिर इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी वो आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली म्यूनिसिपल वैल्यू पेर रेंट स्टैंडर्ड रेंट ये सारी वैल्यूज़ बहुत ही कम होती हैं बहुत ही कम सरकार जो भी लिमिट्स देती है ना वो मतलब ऐसा होती है जैसे दोस्तों में होता है ना कि हर ग्रुप में एक ना कोई एक, दो, एक कोई दोस्त होता है जो बहुत फेंकता है ठीक है बहुत फेंकता है इतना झूठ बोलता है सबको पता होता है कि वो झूठ बोल रहा है लेकिन फिर भी उसकी बातें सुनने में इतना मजा आ रहा होता है क्योंकि वो सारी चीजों को एग्जेजरेट करके बोलता है सही बात है ना हर एक ग्रुप में ऐसा है कि कोई ना कोई एक ना एक ना कोई आ, कोई ना कोई एक दोस्त ऐसा जरूर होगा जो बहुत फेंकेगा ठीक है हर बात में कुछ ना कुछ एग्जेजरेट करके बोल देगा लेकिन उसकी बातें सुन के मजा भी बहुत आएगा उसको भी पता है कि सबको पता है कि वो झूठ बोल रहा है ठीक है होता है तुम लोगों के साथ भी होता ही होगा ठीक है हर ग्रुप में एक बंदा होगा मेरे साथ तो ऐसा बहुत हुआ हुआ है मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है मेरे ग्रुप में एक ना एक लड़का ऐसा होता ही है जो इतना फेंकता है इतना फेंकता है तो उसको ऐसा बोलते हैं ना कि भाई इतना भी मत फेंक के लपेटा ना जाए ये इतना भी मतलब उसको बोला जाता है ना भाई इतना भी मत फेंक के लपेटा ही ना जाए तो, तो फेंके ही जा रहे फेंके ही जा रहे हैं फेंके ही जा रहे कितना फेंक रहा है तो ये जितनी भी लिमिट सरकार सेट करती है ना चाहे वो म्यूनिसपल रेंट की हो चाहे वो म्यूनिसिपल वैल्यू की हो चाहे फेयर रेंट की हो चाहे स्टैंडर्ड रेंट की हो ये सरकार अपने आप से बहुत कम लिमिट सेट करती है भाई इससे कम तो नहीं ही हो सकता ठीक है इससे कम तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता जैसे कई सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा ना सर व्हाट इफ हमारा रेंट एक्चुअली इतना कम है तो भाई तुम बेवकूफ हो क्या क्यों इतना कम रेंट ले रहे हो ठीक है मतलब एक्सपेक्टेड से कम अगर तुम रेंट ले रहे हो तो तुम पागल हो क्या ठीक है किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर मान लो हमारा जेन्युन केस है कुछ ठीक है क्या जेन्युन केस है सर वो अभी मैं सोच नहीं पा रहा हूं यह भी आ रहा होगा सर मेरा एक जेन्युन केस है क्या जेनुअन केस है मैं सोच नहीं पा रहा हूं लेकिन मेरा जेन्युन केस है मान लीजिए मेरा जेनुअ में एक्चुअल रेंट जो है मेरा एक्सपेक्टेड से कम आ गया तो फिर तब भी अगर सरकार ग्रॉस एनुअल वैल्यू को हायर मान लेगी तब तो मेरा नुकसान हो जाएगा किसी के दिमाग में आ रहा है सवाल कि सर मान लो मेरा जेनुइन केस है जिसकी वजह से मेरा एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड से कम आ रहा है किसी के दिमाग में आ रहा है सर मान लो मेरा जेनुइन केस है तो क्या जेनुइन है सर मैं अभी खुद नहीं सोच पा रहा हूं लेकिन जेनुअन केस है ठीक है ये डाउट आ रहा है किसी के दिमाग में फटाफट से बताओ और जितने लोगों ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करो ना यूट्यूब पे सो मे पीपल आर वॉचिंग बट लाइक आपने बहुत कम लोगों को किया है जल्दी बताओ जल्दी बताओ ये डाउट आ रहा है आप लोगों के दिमाग में आया तो नहीं पर आपने बोला तो सोच रहा हूं अच्छा अच्छा वेरी नाइस ठीक है कोई बात नहीं सारी चीजों का जवाब मिल जाएगा मैं आपको एक चीज बता देता हूं मैं आपको एक चीज बता देता हूं जहां पर जेन्युन केसेस में ऐसा हो सकता है कि एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड से कम आ जाए जेन्युन केस में ये जो भी वैल्यूज हैं ये सारी की सारी एनुअल वैल्यूज हैं साल भर की म्यूनिसिपल वैल्यू है साल भर का फेयर रेंट है साल भर का स्टैंडर्ड रेंट है ठीक है मेरा मकान अभी फेबर दो में बनकर कंप्लीट हुआ मेरा मकान अभी फेबर दो में बनकर कंप्लीट हुआ और मैंने फर्स्ट मार्च से मैंने फर्स्ट मार्च से मकान को किराए पर चढ़ाया है अब मुझे एक बात बताओ अगर इस मकान का एक्सपेक्टेड रेंट तीन लाख दस हजार रुपए है तो क्या मैं अपने किसी भी किराएदार से मार्च मार्च में तीन लाख दस हजार रुपए ले सकता हूं बताओ हम लोगों ने मकान बनाया ठीक है मकान का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ फरवरी दो में ठीक अब अगर मैं तेईस चौबीस के बारे में बात करूं तो तेईस चौबीस में मैंने फर्स्ट मार्च दो हजार चौबीस से मकान को किराए पर दिया है ठीक है एक्सपेक्टेड रेंट क्या है तीन लाख दस हजार रुपए लेकिन ये तो साल भर का है ना मैं तो इस पूरे साल में सिर्फ एक ही महीने के लिए मकान को किराए पर दे पा रहा हूं तो क्या मैं अपने किसी भी किराएदार से ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि वो मेरे को एक ही महीने में तीन लाख दस हज़ार रुपये दे दें क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ बिल्कुल भी नहीं कर सकता लेकिन अगर मान लो मैंने उससे सपोज थर्टी थाउजेंड रुपीज़ लिया तो मेरा एक्चुअल रेंट कितना होगा एक्चुअल रेंट तो थर्टी थाउजेंड रुपीज हो जाएगा ठीक है अगर मेरा एक्चुअल रेंट थर्टी थाउजेंड हुआ और एक्सपेक्टेड रेंट तीन लाख दस हज़ार है तो सरकार फॉर्मूले के बेसिस पर तो इसको तीन लाख दस हजार मानेगी तो ये तो मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी गलत बात हो जाएगी कि भाई मुझे मिल रहा है तीस हजार रुपए लेकिन मुझे टैक्स देना पड़ रहा है तीन लाख दस हजार के हिसाब से क्या आप इस बात को अग्री कर रहे हो जेन्युन केस है एकदम जेन्युन केस है मेरा मकान ही नहीं था मैं किराए पर कैसे दूंगा मेरा मकान ही नहीं था मैं किराए पर कैसे दूंगा ठीक है अग्री कर रहे हो इस बात को कि मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी तो इन सारी चीजों से रिलेटेड बात हम लोग करेंगे आगे ठीक है इन सारी की सारी चीजों से रिलेटेड हम लोग इवेंचुअली बात करेंगे कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा एंड सो ऑन ठीक है अभी उन सारी चीजों में जाने की जरूरत नहीं है सब कुछ कवर होगा लेकिन कोई चीज दूसरे लेक्चर में कोई चीज चौथे लेक्चर में कोई चीज में भी छठे लेक्चर में कवर होगी लेकिन सारी की सारी चीजें कवर होंगी जो आप नहीं सोच सकते हो वो सब भी कवर हो जाएगा ठीक है अभी फिलहाल एक सिंपल सी बात बताओ ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने का फॉर्मुला सबको समझ में आ गया यस ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने का फॉर्मूला सब लोगों को समझ में आ गया फटाफट पड़ से बताओ मेरे को कंफर्म कर दो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने का फॉर्मूला सब लोगों को समझ में आ गया यस वंदना मयंक अदिति भूमि कशिश मोहित हिमांशी वेरी गुड ठीक है एक्चुअली ये जो एक्चुअल रेंट होता है ना इसको निकालने का भी फॉर्मूला होता है एंड द फॉर्मूला इज रेंट रिसीव्ड प्लस रेंट रिसीवेबल माइनस अनर रियलाइज रेंट सब बहुत जेन्युन है सब बहुत जेन्युन है और बहुत लॉजिकल है यह सारी चीजें जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं एवरीथिंग इज वेरी जेन्युन एंड वेरी वेरी लॉजिकल यू लव इट ठीक है लेकिन इवेंचुअली करेंगे अभी आप लोग फिलहाल आ जाओ क्वेश्चन नंबर वन पर अभी आप लोग फिलहाल आओ क्वेश्चन नंबर वन पर फटाफट पड़ से आओ सब लोग क्वेश्चन नंबर वन पर ठीक है अपने नोट्स में आप लोग हेडिंग डालोगे अपने रजिस्टर पर आप लोग हेडिंग डालोगे चैप्टर फोर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ठीक है अपने रजिस्टर पर आप सब लोग हेडिंग डालोगे चैप्टर नंबर फोर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इसके ऊपर आप लोग लिखोगे लेक्चर फाइव ओवरऑल लेक्चर फाइव है और यहां पर आप लिखोगे पार्ट वन ठीक है ओवरऑल लेक्चर फाइव है चैप्टर फोर हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पार्ट वन ठीक है अब आप यहां पर लिखोगे क्वेश्चन नंबर वन आप लोग लिखोगे क्वेश्चन नंबर वन जय श्री ओन्स फाइव हाउसेज इन फाइव हाउसेज इन इंडिया ठीक है और जिस पेज पर जो रजिस्टर का जो भी पेज नंबर आपका है वहां पर अपने नोट्स के सामने पेज नंबर ऐसे लिख देना रजिस्टर का पेज नंबर लिख देना ठीक है देखो जय श्री ओन्स फाइव हाउसेज इन इंडिया ऑल ऑफ आर लेट आउट सारे के सारे लेट आउट अब देखो दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं ठीक है थीके? दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं एक को टेक्निकल भाषा में बोला जाता है सेल्फ जिसमें आप स्वयं रह रहे हो जैसे प्रयागराज में, में मेरा मकान है जिसमें मैं खुद रह रहा हूं तो क्या इससे मेरे को कोई किराया आएगा नहीं इससे मेरे को कोई किराया नहीं आएगा नोएडा वाला जो मेरा मकान है उसको मैंने किराए पर दिया हुआ है तो उसको हम लोग टेक्निकल भाषा में बोलते हैं लेट आउट

कैलकुलेशन ऑफ क्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ हाउसेज ऑफ जयश्री ठीक है कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ हाउसेज ऑफ जयश्री आप यहां लिखोगे पर्टिकुलर्स हाउस वन हाउस टू हाउस थ्री हाउस फोर और हाउस फाइव ठीक है पांच हाउसेस की आपको ये निकाल लिया देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम म्यूनिसिपल वैल्यू म्यूनिसिपल वैल्यू तो म्यूनिसिपल वैल्यू क्या है एट्टी थाउजेंड फिफ्टी फाइव थाउजेंड एट्टी थाउजेंड फिफ्टी फाइव थाउजेंड सिक्सटी फाइव थाउजेंड ट्वेंटी फोर थाउजेंड एट्टी थाउजेंड कितना आया एट्टी थाउजेंड ठीक है दूसरा स्टेप हमारा क्या था फेयर रेंट दूसरा स्टेप है हमारा फेयर रेंट फेयर रेंट कितना दिया हुआ है नाइन्टी थाउजेंड सिक्सटी थाउजेंड सिक्सटी फाइव थाउजेंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड और ये आ गया आपका सेवेंटी फाइव थाउजेंड ठीक है फिर हमें लिखना है हायर ऑफ वन एंड टू ठीक है दोनों में से जो भी हायर है तो नाइन्टी थाउजेंड सिक्सटी थाउजेंड सिक्सटी फाइव थाउजेंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड और एटी थाउजेंड यह आ गया अब आप लिखोगे स्टैंडर्ड रेंट स्टैंडर्ड रेंट आपको दिया हुआ है नॉट एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल में आ गया सेवेंटी फाइव थाउजेंड फिफ्टी एट थाउजेंड फिर नॉट एप्लीकेबल और ये सेवेंटी एट थाउजेंड ये आ गया आपका सेवेंटी एट थाउजेंड फिर आएगा आपका एक्सपेक्टेड रेंट एक्सपेक्टेड रेंट कैसे आएगा लोअर ऑफ थ्री एंड फोर थ्री और फोर में से जो भी कम होगा वो तो अब यहां पर आप नाइन्टी थाउजेंडोगे यहां पर जीरो मत कर देना ठीक है कैसे नहीं आप नॉट एप्लीकेबल था मतलब जीरो हो गया तो फिर उसको लोअर में तो हम लोग जीरो कर देंगे 90, और जीरो एवर इज लोअर नहीं दिस दिस इज इज नॉट नॉट जीरो एप्लीकेबल नहीं है जो भी रीजन है उसमें हम लोगों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है अब इनमें से लोअर क्या है सिक्सटी थाउजेंड ठीक क्या हो गया फिफ्टी एट थाउजेंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड और ये सेवेंटी एट थाउजेंड ये हो गया लोअर अब एक्सपेक्टेड रेंट के बाद आपका क्या आएगा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल कितना है बहत्तर बहत्तर सेवेंटी टू सेवेंटी टू सिक्सटी थर्टी सिक्सटी थर्टी और सेवेंटी टू और फिर आएगी आपकी क्रॉस एन्युअल वैल्यू हायर ऑफ फाइव एंड सिक्स ठीक है हायर ऑफ फाइव एंड सिक्स ये आएगी आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू राइट तो हायर क्या हो गया नाइन्टी थाउजेंड हो गया यहां हायर हो गया सेवेंटी टू थाउजेंड यहां हायर हो गया सिक्सटी थाउजेंड यहां हायर हो गया थर्टी थाउजेंड और यहां हायर हो गया सेवेंटी एट थाउजेंड ये आ गई आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू ये आ गई आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू अब मुझे आप लोग बताओ क्या ये वाला क्वेश्चन आप सब लोगों को समझ में आ रहा है क्या ये क्वेश्चन आप सब लोगों को समझ में आ रहा है क्रॉस एन्युअल वैल्यू सब लोगों की आ गई है अपर्णा कह लेंगे सर फर्स्ट टाइम आई एम टेकिंग अ लाइव क्लास गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून क्या ये प्रॉपरली आप लोगों को समझ में आ रहा है यस वेरी गुड बहुत बढ़िया आओ क्वेश्चन नंबर टू करते क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू देखो क्वेश्चन नंबर टू क्या है मिस्टर नंदन ओन्स फाइव हाउसेज इन डेली कंप्यूट द नेट एनुअल वैल्यू ऑफ ईच हाउस फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो ठीक है तो कंप्यूटेशन ऑफ यहां आपको निकालनी है नेट एनुअल वैल्यू पिछले वाले क्वेश्चन में आपको निकालनी थी ग्रॉस एनुअल वैल्यू ठीक है यहां आपको नेट एनुअल वैल्यू निकालनी है तो कंप्यूटेशन ऑफ नेट एनुअल वैल्यू ऑफ ईच हाउस Of Mr. Nandan, computation of net annual value of each house of Mr. Nandan, particulars रुपए नहीं रुपए थोड़ी आएगा आएगा ना house one house two तो यहाँ पे मैं कहता हूँ ना H

सबसे पहली चीज जो हम लोग लिखेंगे वो है म्यूनिसिपल वैल्यू सबसे पहली चीज जो हम लोग लिखेंगे वो है म्यूनिसिपल वैल्यू तो एक लाख बीस हजार दो लाख चालीस हजार एक लाख दस हजार नब्बे हजार सेवेंटी फाइव थाउजेंड 2 star fair rent fair rent 150 240 114 84 and then you have 80 ठीक है ये हो गया आपका 80 देन जो थर्ड पॉइंट है वो क्या आएगा हायर ऑफ वन एंड टू इन दोनों में से जो भी हायर है तो हायर क्या हो गया 150 240 114 90 80 ठीक अब आप यहां पर लिखोगे स्टैंडर्ड रेंट व्हाट इज द स्टैंडर्ड रेंट स्टैंडर्ड रेंट है वन लाख एट थाउजेंड नॉट एप्लीकेबल वन लाख फोर्टी थाउजेंड नॉट एप्लीकेबल सेवेंटी एट थाउजेंड यह हो गया फिर आप लिखोगे यहां पर एक्सपेक्टेड रेंट लोअर ऑफ थ्री एंड तो लोअर ऑफ थ्री एंड फोर आपका ये आ जाएगा कितना आएगा एक एक एक्सपेक्टेड रेंट एक्सपेक्टेड रेंट विल बी वन लाख एट थाउजेंड यहां टू लाख फोर्टी थाउजेंड यहां वन लाख फोर्टीन थाउजेंड यहां 90,000 थाउजेंड और यहां सेवेंटी एट थाउजेंड यहां पर आ गया सेवेंटी एट थाउजेंड फिर आप इसको कंपेयर करोगे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल से वन लाख एटी थाउजेंड वन लाख एटी थाउजेंड ये टू लाख टेन थाउजेंड उू लाख, टेन थाउजेंड वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड वन लैख एट थाउजेंड सेवेंटी टू थाउजेंड सेवेंटी टू थाउजेंड यहां पर निकल कर आएगी आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू यहां पर निकल आएगी आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू एंड दैट विल बी हायर ऑफ फाइव एंड सिक्स ठीक है, हायर और फाइव एंड सिक्स तो इन दोनों में से जो भी हायर होगा, गया दैट विल बी ग्रॉस एनुअल वैल्यू तो ये आएगा एक लाख अस्सी हजार रुपए, दो लाख चालीस हजार एक लाख बीस हजार एक लाख आठ हजार और सेवनटी एट थाउजेंड ठीक है ये आ गया आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेकिन क्वेश्चन में हम लोगों से बोला था नेट एनुअल वैल्यू निकालने के लिए तो अब मैं यहां से माइनस करूंगा लेस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड म्यूनिसिपल टैक्सेस जब मैं यहां से माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगी नेट एनुअल वैल्यू ठीक है जब मैं म्यूनिसिपल टैक्सेस यहां से माइनस करूंगा तब मेरे पास नेट एनुअल वैल्यू आएगी अब मेरी बात जरा बहुत ध्यान से सुनना लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली

ठीक है तो जब भी आप लोगों को परसेंटेज दी हुई होती है एंड प्लीज इस चीज को बहुत ध्यान से सुना क्योंकि आप बहुत सारे लोग यहां पर गलती करोगे ठीक है यहां पर बहुत सारे लोग गलती करने वाले हैं आगे चलकर बहुत सारे लोगों की गलती होगी जैसे ये दस परसेंट है तो अब आपके मन में क्या आएगा कि सर टेन परसेंट ऑफ वन लाख एट्टी थाउजेंड रुपीज यहां पर माइनस कर दो यानी यहां पर माइनस कर दो ठीक है ऐसा कई सारे लोगों के मन में आ रहा होगा कि टेन परसेंट दिया हुआ है अब टेन परसेंट ऑफ वॉट तो सर टेन परसेंट ऑफ ग्रॉस वैल्यू ये माइनस कर दो अट्ठारह हजार रुपए यहां से माइनस हो जाएगा तो वन लाख सेवेंटीज आपकी नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी दिस विल गेट रॉन्ग तो म्यूनिसिपल टैक्सेस में अगर आपको कभी भी परसेंटेज दी हुई हो म्यूनिसिपल टैक्सेस में अगर आपको कभी भी परसेंटेज दी हुई हो तो आप हमेशा उसको म्यूनिसिपल वैल्यू के ऊपर लगाओगे ठीक है अगर म्यूनिसिपल टैक्सेस में कभी भी आपको परसेंटेज दिया हुआ है सब कुछ लिखा हुआ है नोट्स में, सिर्फ में अगर आपको कभी भी दिया हुआ है, तो आप हमेशा उसको म्यूनिसिपल वैल्यू करोगेटेंट ऑफ वॉट टेन परसेंट ऑफ वन लाख ट्वेंटी कितना आएगा यह आएगा ट्वेल्व थाउजेंड ठीक है फिर नेक्स्ट मकान का नेक्स्ट मकान का ट्वेल्व परसेंट है तो 12

8 8 percent of what 8 percent of 90,000 8 percent of 90,000 कितना हुआ 7,200 7,200 ठीक है और उसके बाद लास्ट में आता है 12 तो 12 परसेंट ऑफ व्हाट 12 परसेंट ऑफ 75,000 75,000 का 12 कितना आ गया 9,000 ये आ गया 9,000 आप इसको माइनस करोगे और अब आप बहुत आराम से अपनी नेट एनुअल वैल्यू निकाल सकते हो वन लाख एटी थाउजेंड माइनस बारह हजार वन लाख सिक्सटी एट थाउजेंड टू लाख फोर्टी थाउजेंड माइनस ट्वेंटी एट थाउजेंड एट हंड्रेड टू वन वन टू डबल जीरो वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड में से सिक्सटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस करो वन जीरो थ्री फाइव हंड्रेड 1 में से माइनस माइनस करो करो, में से 9, 69, ये आपकी इस तरह से नेट एनुअल वैल्यू निकल कर आ रही है दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द नेट एनुअल वैल्यू ऑफ ईच हाउस प्रॉपर्टी गेटिंग इट एवरी वन समझ में आ रही है बात सबको यस yes. समझ में आ रही है बात सबको तो म्युनिसिपल टैक्सेस की जब भी परसेंटेज दी हुई हो तो कहां पर अप्लाई करोगे म्यूनिसिपल वैल्यू के ऊपर अप्लाई करोगे नॉट ऑन द ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑन द म्यूनिसिपल वैल्यू आओ अब समझते हैं टैक्सेस होता क्या है म्यूनिसिपल टैक्सेस जो भी आप म्यूनसिपालिटी को पे करते हो बेसिकली इफ यू ओन अ हाउस प्रॉपर्टी यू हैव टू पे द म्यूनिसपालिटी एंड दोज आर नथिंग बट टैक्सेस पेड ठीक है दैट्स इट तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकाल निकाली जाती है फॉर्मूला याद हो गया होगा दो क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए एक तो कई बार हम लोगों ने क्वेश्चंस करने से पहले भी लिख लिया था फिर इन क्वेश्चंस के थ्रू दो बार हम लोग लिख चुके हैं तो पूरा का पूरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने का भी फॉर्मूला याद हो गया होगा इसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस को माइनस करना होता है और फिर आपके पास नेट एनुअल वैल्यू निकल कर आती है क्या ये फॉर्मूला आप लोगों को याद हो गया है मैक्सिमम लोगों को फॉर्मूला याद हो गया होगा अगर मान लो किसी को नहीं भी याद हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आज तो पहली क्लास है अभी चार क्लासेज और बाकी है तो इन चारों क्लासेस में याद हो जाएगा ठीक है उन चार क्लासेस में याद हो जाएगा अब आओ थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में डिस्कशन करते हैं ठीक है थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कशन करते हैं अगर आप लोग अपने नोट्स पर आते हो तो देखो नोट्स पर आओगे सबसे पहली चीज जो आपको दिखाई देगी ना वो होगा सेक्शन ट्वेंटी टू विच इज अ चार्जिंग सेक्शन नाउ किसी भी हेड को जब भी हम पढ़ेंगे ठीक है हम लोग किसी भी हेड को जब पढ़ेंगे तो उसमें हमेशा एक चार्जिंग सेक्शन आपको मिलेगा चार्जिंग सेक्शन बेसिकली बताता है कि कौन कौन सी कंडीशंस को फुलफिल करने पर वो वाली income इस head में आएगी, ठीक है? है तो section 22 is the charging section for house property. और ये section कहता है कि अगर आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है और और आप उस हाउस प्रॉपर्टी के ओनर हो अगर एक हाउस प्रॉपर्टी है ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी तो उस हाउस प्रॉपर्टी से अराइज होने वाली जो भी इनकम है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो जाएगी ठीक है शुड 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 बी 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 हाउस प्रॉपर्टी 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 एंड यू ओनर ऑफ द अगर ये दोनों फुलफिल हो रही है तो उस हाउस प्रॉपर्टी से अराइज होने वाली इनकम कहां पर टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो जाएगी ठीक है हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है बिल्डिंग प्लस जो भी बिल्डिंग के आसपास की लैंड है उसको बोलते हैं लैंड अपर्टिनेंट सच बिल्डिंग उसको बोलते हैं जब आप किसी सोसाइटी में रहते हो ठीक है तो एक सोसाइटी का मेन गेट होता है तब जाकर आपकी मेन बिल्डिंग आती है ठीक है तो अगर मैं डायग्रामेटिकली आप लोगों को बताऊ कि यह सपोज बिल्डिंग का गेट है यह सपोज बिल्डिंग का गेट है ठीक है यह एरिया है, ये area है. ठीक है तो आप यहां से घुसे टिंग, टिंग 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 यहां पर आए और यहां पर एक बड़ी सी बिल्डिंग है यहाँ एक बड़ी सी बिल्डिंग है यहाँ एक बड़ी सी बिल्डिंग है ठीक है तो ये है टावर ए ये है टावर बी ये है टावर सी बड़ी बड़ी सोसाइटीज में ऐसा ही होता है तो बिल्डिंग एंड लैंड अपर्टनेट डे टू का मतलब क्या है कि ये बिल्डिंग्स तो है ही लेकिन साथ आसपास की जो जमीन है जो मेन प्रेमिसिस के अंदर है बाहर की सड़क नहीं गेट के अंदर आप घुसे तो जो भी प्रेमिस है वो भी आपका हाउस प्रॉपर्टी में आता है ठीक है तो हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया बिल्डिंग प्लस बिल्डिंग के आसपास की लैंड जिस लैंड के ऊपर बिल्डिंग एसोसिएटेड है जिस लैंड के ऊपर बिल्डिंग सिचुएटेड है वो वाली जमीन भी आपकी हाउस प्रॉपर्टी का हिस्सा हो जाता है वो वाली जमीन भी आपका हाउस प्रॉपर्टी का हिस्सा हो जाता है ठीक है अब अब आप लोग इधर देखो यहां पर मजा आएगा दो प्रकार की हाउस प्रॉपर्टीज होती हैं ठीक है थेके? एक मैंने आपको बताया लेट आउट प्रॉपर्टी यानी जिसको किराए पर दिया हुआ है और दूसरी मैंने आपको बताया सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी दूसरी मैंने आपको क्या बताया सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी यानी जिसमें मैं खुद रह रहा हूं मेरे को एक बात बताओ मुझे एक बात बताओ एक बात बताओ हम लोग कैसे करते हैं म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट इन दोनों में से जो भी हायर है वो हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से फिर हमारा एक्सपेक्टेड रेंट आता है ठीक है इन दोनों में से जो भी लोअर है वो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट आता है फिर हम उसको एक्चुअल रेंट से कंपेयर करते हैं और तब हमारे पास ग्रॉस एनुअल वैल्यू आती है इसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड माइनस किया जाता है और तब हमारे पास नेट एनुअल वैल्यू आती है इसमें से एक तो थर्टी uh, परसेंट का रिडक्शन होता है और एक आपका इंटरेस्ट ऑन लोन का रिडक्शन होता है और तब जाकर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल कर आती है ठीक है मुझे एक बात बताओ मुझे एक बात बताओ अगर किसी प्रॉपर्टी में मैं स्वयं रह रहा हूं अगर मैं किसी प्रॉपर्टी में खुद रह रहा हूं तो क्या मैं अपने आप से किराया वसूल कर रहा हूंगा अगर मैं किसी प्रॉपर्टी में खुद रह रहा हूं तो क्या मैं अपने आप से किराया ले रहा हूं नॉट ठीक है अगर मैं अपने आप से किराया नहीं ले रहा तो एक्चुअल रेंट तो जीरो आएगा एक्चुअल रेंट जीरो आएगा तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होती है इन दोनों में से जो भी ज्यादा होता है वही तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाती है तो हमेशा ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड रेंट माननी पड़ेगी हमेशा ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड रेंट माननी पड़ेगी और अगर ग्रॉस एनुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड रेंट मानूंगा तब तो फालतू में मुझे टैक्स देना पड़ जाएगा ना मुझे कहीं से कुछ पैसा मिल रहा नहीं है लेकिन क्योंकि सरकार के रिकॉर्ड्स में म्यूनिसिपल वैल्यू भी होगी फेयर रेंट भी होगा स्टैंडर्ड रेंट भी होगा उससे एक्सपेक्टेड रेंट तो निकल आएगा बहुत आराम से मुझे रेंट मिल कुछ रहा नहीं है ठेंगा लेकिन फिर भी क्योंकि फॉर्मूला है तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है वो एक्सपेक्टेड रेंट या एक्चुअल रेंट विच एवरेज हायर के बेसिस पे एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा और मेरे को जबरदस्ती टैक्स पे करना पड़ेगा ठीक है तो सरकार कहती है, नहीं है ऐसा कुछ नहीं है इनफैक्ट सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टीज पे आपको बेनिफिट मिलता है ठीक है आपको झुठे टैक्स नहीं देना पड़ता इनफैक्ट आपको बेनिफिट मिलता है बेनिफिट क्या सरकार कहती है कि आपकी अगर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है आपकी अगर सेल्फ ऑफ्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो आप नेट एनुअल वैल्यू को ही जीरो मान लो ग्रॉस एनुअल वैल्यू छोड़ो ये सारी चीजें छोड़ो आप ये सारी चीजें छोड़ो आप नेट एनुअल वैल्यू को जीरो मान लो ठीक है नेट एनुअल वैल्यू को जीरो मान लो अब आप बोलोगे सर इससे फायदा क्या हुआ अब आपके दिमाग में आएगा सर इससे फायदा क्या हुआ दो जीरो है जीरो तो से तो जीरो होना चाहिए इसका मेरा फायदा क्या दे रही है सरकार फायदा यह है कि देखो थर्टी परसेंट ऑफ जीरो तो जीरो ही आएगा लेकिन क्या आप लोन लेकर खुद का मकान बनाकर उसमें रह सकते हो बिल्कुल रह सकते हो कई सारे लोग करते भी है ठीक है लोग खरीदते हैं ना मकान खरीदने के लिए होम लोन लेते हैं ठीक है और लोन की EMI पे करते रहते हैं उस पर इंटरेस्ट भी होता है तो अगर मान लो मेरा मकान है जिसको बनाने के लिए मैंने लोन लिया और उस मकान में मैं स्वयं रह रहा हूं तो मेरी नेट एनुअल वैल्यू क्या हो गई जीरो हो गई मेरी नेट एनुअल वैल्यू क्या हो गई जीरो हो गई राइट और 30% भी मेरा जीरो आ गया 30% भी जीरो आ गया लेकिन लोन पर तो मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं लोन पर सपोज मैंने दो लाख रुपए का इंटरेस्ट पे कर दिया या सपोज लाख का मैंने इंटरेस्ट पे कर दिया लोन पर सपोज मैंने वन लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज का इंटरेस्ट पे किया तो जीरो में से अगर वन फिफ्टी माइनस होगा तो मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नेगेटिव आ जाएगी मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नेगेटिव आ जाएगी यस yes, ये वाली बात समझ में आ रही है अगर मेरी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होगी तो नेट एनुअल वैल्यू सरकार कहती है, लो. अगर मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन तो मैं अभी भी दूंगा उसका डिडक्शन अगर मैं लेता हूं तो वन लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज का तो मेरा लॉस आ जाएगा ये बात समझ में आ रही है लॉस आ जाएगा और लॉस का मैंने क्या फायदा बताया था आपको लॉस का मैंने क्या फायदा बताया था आगे कभी कभी भी आगे अगर कभी भी

सेट ऑफ वर्ड अगर तुम लोगों को याद है तो यार मतलब तुम लोग एक्चुअली बहुत ध्यान से सुन रहे हो यार दिस इज ग्रेट मतलब आप लोग अपनी पीठ पे पीठ थपथपा दो एक बार सीरियसली बोल रहा हूं मतलब हाउ मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप लोगों को सेट ऑफ वर्ड याद होगा और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ चैट बॉक्स में कितने सारे लोग सेट ऑफ सेट ऑफ लिख रहे हैं दिस इज अमेजिंग यार अपनी पीठ थपथपा थब दो सब लोग फटाफट से अपनी पीठ थपथपा दो और वीडियो को लाइक कर दो फिर ठीक है तो अभी आप समझ रहे हो कि अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो मेरे को कितना बेनिफिट हो रहा है मेरे को कितना बेनिफिट हो रहा है ठीक लेकिन अब यहां पर भी लोग जो है ना लोगों को बेनिफिट बर्दाश्त ही नहीं होते लोगों को बेनिफिट्स बर्दाश्त ही नहीं होते जैसे आज ही की क्लास की स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया तीस हजार का किराया आ रहा है तीन लाख साठ हजार रुपए मेरी एनुअल वैल्यू है ठीक है उस उसपे सरकार ने मेरे को दिया थर्टी परसेंट का फ्लैट डिडक्शन भी दिया इंटरेस्ट ऑन लोन का भी रिडक्शन दिया ठीक है और मेरी मेरी नेट वैल्यू या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कम आ गई लेकिन मैंने मैंने फिर भी क्या करने की कोशिश की? मैंने अपनी को ही करने की कोशिश की. Yes? मैंने अपनी ग्रॉस को की की. Right? तो सरकार को ग्रॉस निकालने के लिए वैल्यू तो निकालने के लिए फॉर्मुले बनाने पड़े उसी तरह से सरकार मुझे यहां पर बेनिफिट अगर दे रही है कि भाई अगर तुम्हारी सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है तुम नेट एनुअल वैल्यू जीरो मान लो ठीक है फिर तुम्हारा लॉस भी आ जाता है तो तुम कोई दिक्कत नहीं है तुम लो लॉस का बेनिफिट भी हम तुमको देंगे अब मेरा दिमाग और ठन का अब मेरा दिमाग और ठन का क्या ठन का मैंने कहा मैं काम करता हूं नोएडा वाली जो प्रॉपर्टी है उसको मैं रेंटेड क्यों दिखाऊ उसको मैं दिखा देता हूं वो सेल्फ ऑक्युपाइड है जो भी रेंट आया सीधा मेरी जेब में एक पैसा उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा उल्टा लॉस क्लेम करूंगा

ये जो चार लोग इस नोएडा वाले मकान में रहते हैं मेरे फैमिली मेंबर्स हैं मेरे दूर के किसी चाचा ताऊ के दोस्त लगते हैं ये ठीक है तो अगर मेरे के दोस्त तो मेरे ताउ जी ही हो गए ना सर कैसी बात कर रहे हो आप मैं अपने ताउ जी लोगों से रेंट लूंगा क्या ना ना कैसी बात कर रहे हो सर ना ना कोई मतलब ही नहीं है ठीक है क्या बात कर रहे हो आप राइट तो ये तो मेरे घर वाले ही है तो ये प्रॉपर्टी तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उनसे तीस हजार रुपए ब्लैक में पैसा लिया वो मेरी जेब में उनसे तीस हजार रुपए ब्लैक में पैसा लिया वो मेरी जेब में जाके दो चार दिन उनके साथ रहे आया उस प्रॉपर्टी पर जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन है उसका रिडक्शन यहां पर क्लेम किया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नेगेटिव इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नेगेटिव बेनिफिट ही बेनिफिट पैसा ही पैसा पैसा ही पैसा ठीक है तो सरकार ने कहा यार मतलब तो हम कुछ भी कर ले जनता खुश होने वाली है नहीं और जनता जो चोर जनता है वो चोरी करती ही रहेगी वो चोरी करती ही रहेगी ठीक है तो अब सरकार ने सरकार को कुछ ना कुछ बेनिफिट सरकार को कुछ ना कुछ इस पे एक कैप लगानी पड़ी ठीक है सरकार सरकार को इस कैप लगानी पड़ी सरकार ने कहा कि देखो अगर, अगर दो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टीज है दो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आप उनकी नेट एनुअल वैल्यू मानो जितना लॉस उन दोनों सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टीज पर आप क्लेम करना चाहते हो आप उस पर क्लेम कर लो लेकिन अगर मान लो दो से ज्यादा है सपोज तुम्हारे पास टोटल तीन सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टीज है सपोज तुम्हारे पास टोटल तीन सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टीज हैं तो हम अपनी मर्जी से हम अपनी मर्जी से नहीं तुम्हारी मर्जी से तुम किन्हीं भी दो को किन्हीं भी दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज को तो मान लो कि हाँ वो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टीज है और जो एक बचेगी उसको हम लोग डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी बोलेंगे डीम्ड लेट आउट मतलब मान लेंगे कि वो लेट आउट है मान लेंगे कि वो प्रॉपर्टी लेट आउट है मानने से क्या होगा मानने से ये होगा अभी आप देखो मानने से क्या होगा मानने से क्या होगा अभी अरे जल्दी जल्दी मिट जा भाई मानने से ये होगा कि म्युनिसिपल वैल्यू भी आएगी फेयर रेंट भी आएगा स्टैंडर्ड रेंट भी आएगा और जो एक्सपेक्टेड रेंट होगा ना प्रॉपर्टी का वही आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान ली जाएगी वही आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान ली जाएगी उसी पर आप म्यूनिसिपल टैक्सेस का माइनस ले लोगे और नेट एनुअल वैल्यू वो मान ली जाएगी और उस हिसाब से हम आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट कर देंगे सरकार कहती है सरकार कहती है कि देखो दो मकान अगर किसी के भी हैं तो चलता है ठीक है हो सकता है मेरा कुछ काम हो जो नोएडा में हो, हो सकता है मेरा कुछ काम प्रयागराज में हो इनफैक्ट ऐसा हुआ था 2019 में ऐसा बहुत हुआ था नोएडा वाले मकान में मैं जाता था मैं महीने में एक या दो बार जाता था वहां पर दो चार दिन रुकता था जेन्यून केस बता रहा हूं आपको नोएडा वाले मकान में मैं महीने में जाता था महीने में दो चार दिन रुकता था और बाकी टाइम महीने में यहां पर प्रयागराज वाले मकान में रह कर मैं काम करता था ठीक है तो सरकार के तो मतलब इन अ वे आप देख सकते हो दोनों ही प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड थी अगर मैं उस नोएडा वाले मकान को किराए पर दे देता तो वहां जाके थोड़ी रुकता उन लोगों के साथ ठीक है लेकिन क्योंकि मेरी इतना फ्रीक्वेंट ट्रैवल हो रहा था इन टू थाउजेंड नाइनटीन आई नोएडा वाले मकान में भी मैं रुकता था और प्रयागराज वाले मकान में भी रुकता था सरकार कहती है कि दो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टीज अलाउड है मतलब दो प्रॉपर्टीज अगर आप बोल रहे हो ना सेल्फ ऑक्युपाइड है तो नेट एनुअल वैल्यू जीरो मान लो जो भी आपका लॉस वॉस आएगा आप क्लेम कर लो लेकिन अगर आप कह रहे हो कि आपके पास सपोज तीन सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टीज हैं तो भाई ये नहीं चलेगा ठीक है आपके पास ऑप्शन है आप किन्नी भी दो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टीज को सेल्फ ऑक्युपाइड मान सकते हो लेकिन जो एक वो भी आप चूज करो यहां पर भी सरकार क्या कह रही है आप चूज करो हम फोर्स नहीं कर रहे ठीक है ऐसा क्यों किया गया इससे क्या बेनिफिट मिला इससे ये बेनिफिट मिला मान लो मेरी तीन हाउस प्रॉपर्टीज हैं एक प्रयागराज में एक नोएडा में एक मुंबई में मान लो तीन प्रॉपर्टीज है एक प्रयागराज में एक मुंबई में एक नोएडा में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आएगी मुंबई वाली की आएगी ना सबसे ज्यादा वैल्यू मुंबई वाली की आएगी तो अगर मेरे को अपना टैक्स कम करना है तो मैं क्या चाहूंगा कि मुंबई वाली सेल्फ ऑक्युपाइड हो जाए मैं क्या चाहूंगा मुंबई वाली सेल्फ ऑक्युपाइड हो जाए और प्रयागराज वाली लेट आउट मान ली जाए सरकार कहते कोई दिक्कत नहीं है सरकार कह रही बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो सरकार कह रही है कि भाई आप अपनी मर्जी से कोई भी दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज उनको हम लोग मान लेंगे कि एनईवी उनकी नील है ठीक है लेकिन जो बची हुई प्रॉपर्टी होगी उसको हम लोग डीम्ड लेटआउट मान लेंगे मतलब मान लेंगे कि वो किराए पर दी हुई है तो उसका म्यूनिसिपल वैल्यू लेंगे फेयर रेंट लेंगे जो भी ज्यादा होगा वो लेंगे उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे एक्सपेक्टेड रेंट निकलेगा एक्चुअल रेंट तो जीरो ही आएगा क्योंकि आप कह रहे हो सेल्फ है तो जो एक्सपेक्टेड रेंट होगा वही आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान ली जाएगी और इस हिसाब से उसमें टैक्सीबिलिटी आ जाएगी क्या ये बात आपको समझ में आ रही है सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टीज में यूजुअली नेट एनुअल वैल्यू निल लेकिन अगर दो से ज्यादा सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टीज है तो किन्हीं भी दो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टीज की नेट एनुअल वैल्यू आप निल मान सकते हो नील क्लेम कर सकते हो वो चॉइस भी आपकी है

यस yes. ठीक ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आओ बहुत बढ़िया आइए इधर देखिए देखो तो लेट आउट प्रॉपर्टी जो होगी वो तो हमेशा ही टैक्सेबल होगी अगर कोई लेट आउट प्रॉपर्टी है दैट इज ऑलवेज टैक्सेबल लेकिन अगर कोई सेल्फ प्रॉपर्टी है तो देखना पड़ेगा कि क्या आप उसको अपने रेजिडेंस के लिए यूज कर रहे हो अगर आप उसको अपने रेजिडेंस के लिए यूज कर रहे हो तो अप टू टू सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टीज आर एक्जेम यहां पर एग्जेम का मतलब क्या हो गया एग्जेप्ट का मतलब हो गया कि एनएवी इज निल्ड ठीक है एक्जेम्ट का मतलब हो गया एनएवील लेकिन अगर आपके पास दो से ज्यादा है, तो कोई भी दो प्रॉपर्टी एक्जेपील और जो रिमेनिंग सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज है उनको डीम्ड लेट आउट मान लिया जाएगा ठीक जो दो, जो दो है उनको डीम्ड लेट आउट मान लिया जाएगा ठीक है मान लो आपके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है मान लो आपके पास सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है लेकिन उसको आप अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो ठीक है मान लो आपके पास सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है लेकिन आप उसको अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो तो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा इग्नोर कहां किया जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में इग्नोर कर दिया जाएगा क्यों इग्नोर कर दिया जाएगा क्योंकि वो आपकी बैलेंस शीट में एज बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी नॉन करंट एसेट और इसका डेप्रिसिएशन लगता रहेगा जो कि पी एल में आएगा जो कि पीएनएल में आएगा ठीक है तो अगर आपके पास कोई सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है लेकिन आप उसको अपने रेजिडेंस के लिए नहीं आप उसको अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो तो इस हेड में उसको इग्नोर कर दिया जाएगा इसके बारे में क्या ट्रीटमेंट होगा कैसे होगा क्या होगा उसके बारे में हम बात कहां करेंगे प्रॉफिट्स एंड गेंस फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन वाले हेड में उसके बारे में बात करेंगे क्या ये बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रही है इसके बारे में कब बात होगी जब हम पीजीबीपी करेंगे तब इसके बारे में बात होगी ठीक है मैं समराइज कर देता हूं अभी तक क्या क्या हुआ आपकी जो सेल्फ आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं दो टाइप की हो सकती हैं एक तो लेट आउट एक सेल्फ ऑक्यूपाइड लेट आउट प्रॉपर्टीज हमेशा टैक्सेबल होंगी सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टीज में दो केसेस बन सकते हैं या तो वो आप रेजिडेंस के लिए यूज कर रहे हो या तो आप उसको बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो अगर आप उसको रेजिडेंस के लिए यूज कर रहे हो तो आपके पास अगर दो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टीज हैं यानी उनकी नेट एनुअल वैल्यू मान ली जाएगी जो भी इंटरेस्ट और लोन का रिडक्शन है उसका आपको वो बेनिफिट भी मिल जाएगा लेकिन अगर दो से ज्यादा सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टीज हैं तो किन्नी भी दो को आप अपना सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी मानकर एक्समिशन क्लेम कर सकते हो लेकिन दो के ऊपर जितनी भी होंगे उनको सरकार लेट आउट मान लेगी और टैक्स लगा देगी जो बिजनेस के लिए उसको आप यहां पर कंप्लीटली इग्नोर करोगे वो पीजीबीपी में उसको देखेंगे उसका ट्रीटमेंट हम लोग पीजीबीपी में देखेंगे कैसे उसका ट्रीटमेंट होगा क्या यहां तक की बात आप सब लोगों को क्लियरली समझ में आ रही है क्लियरली समझ में आ रही है जल्दी बताओ ये बात क्लियरली समझ में आ रही है ठीक है अभी मैं चैट में देख रहा हूं बहुत सारे अलग अलग टाइप के डाउट्स आ रहे हैं सर मान लो अगर ऐसा हुआ कि मेरे पास तीन मंजिला मकान है पहली ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे मैं रह रहा हूं और दूसरी मक, दूसरी फ्लोर को मैंने पीजी बनाकर चला रखा है या किराए पर दे रखा है तो क्या होगा ठीक है जेन्युन डाउट आज पहली क्लास है एंड तक सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ठीक है ये जितने भी डाउट्स हैं सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएंगे ठीक है इसको हम लोग बोलते हैं पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी कि पूरी प्रॉपर्टी में थोड़े समय आप रह रहे हो थोड़े में कोई और रह रहा है डाउट ये भी आया कि सर किसी और शहर में मेरा मकान है किसी और शहर में मेरा मकान है लेकिन वहां पर मेरी फैमिली मेंबर्स रह में रहे हैं उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे उसको लेट आउट प्रॉपर्टी मानेंगे ठीक है सब कुछ क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे चलते चलते सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी ठीक है तो ये जितने भी आपके डाउट्स हैं सब लोग नोट करते हुए रखो

इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट की जाती है तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस करते हैं है, में, में दो सबसे ए का इंटरेस्ट ऑन लोन सेक्शन ट्वेंटी फोर बी तो ये दोनों सेक्शन आपको याद रखने 24 आपको याद रखना है कि नेट एनुअल वैल्यू में सेक्शन ट्वेंटी फोर के दो रिडक्शन मिलते हैं एक थर्टी परसेंट ऑफ एनुअल वैल्यू और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन और फिर आपकी आती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ठीक है अब ये हम लोगों ने देखा ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होती है टैक्सेस तो टैक्सेस का मतलब मान लो प्रीवियस ईयर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर में मान लो प्रीवियस में म्यूनिसिपल टैक्सेस आपको दस हजार देने थे ठीक है आपने नहीं दिए आपने 31 मार्च तक आपने 31 मार्च तक 23 चौबीस में 31 मार्च 2024 तक आपने दस हजार रुपए का टैक्सेस पे नहीं किया तो तो टैक्सेस का कोई नहीं मिलेगा ठीक है मान लो ये दस आपने चौबीस पच्चीस में पे कर दिए मान लो ये दस हजार रुपए पच्चीस पच्चीस के लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करोगे ना तो आपको इन दस हजार रुपए का रिडक्शन मिल जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं सरकार है सरकार कहती है कीप इट सिंपल टैक्सेशन में आप लोग धीरे धीरे देखोगे कि इट्स वेरी वेरी सिंपल ठीक है मतलब सिंपलर देन अकाउंट्स अभी क्या होगा कि आप लोगों को अकाउंट्स बहुत सिंपल लगने लग गई होगी क्योंकि ग्यारहवीं कक्षा से घिस रहे हो ठीक है इलेवेंथ में पढ़ी ट्वेल्थ में पढ़ी फाउंडेशन में पढ़ी अभी इंटरमीडिएट में भी है तो बहुत सारी चीजें अकाउंट्स वाली जो आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो वो बहुत नेचुरल लगती है क्या ठीक है ऐसे ही तो होता है ठीक है कई सारी चीजें नेचुरली अंदर भी आ जाती हैं कोई नया टॉपिक भी पढ़ोगे समझ में आ जाएगा ठीक है इस इसमें ऐसा ऐसा होना चाहिए ठीक वेरी नाइस टैक्सेशन में बहुत ज्यादा simplify करके दिया कई सारी चीजें बहुत सारी चीजें नॉट ऑल ठीक है कई सारी चीजें आप लोगों को थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी लगेंगी बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स यूल फाइंड कि या तो अकाउंट्स जैसी है या तो अकाउंट से भी सिंपल है ठीक है सारी चीजों का लॉजिक वगैरह सब कुछ मैं बताता हुआ आप लोगों को चलूंगा तो जो म्यूनिसिपल टैक्सेस का रिडक्शन होता है वो आपको पेमेंट बेसिस पर मिलता है ठीक है अगर आपने पे किया है तो मिलेगा पे नहीं किया तो आपको नहीं मिलेगा अच्छा दूसरी चीज मान लो नोएडा वाले मकान का जो भी म्यूनिसिपल टैक्सेस है वो किराएदार पे कर रहा है तो क्या मुझे उसका रिडक्शन मिलना चाहिए आई रिपीट माई क्वेश्चन एकदम लॉजिकल है नोएडा वाले मकान में कोई ना कोई किराएदार रह रहा है जो भी म्यूनिसिपल टैक्सेस है जो भी टैक्सेस उनको कौन पे कर रहा है वही लोग पे कर दे रहे हैं मैं तो पे नहीं कर रहा हूं क्या मुझे उसका रिडक्शन फिर भी मिलना चाहिए कमान 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 क्या मुझे उसका रिडक्शन फिर भी मिलना चाहिए नहीं जब मैंने पे ही नहीं किया जब मेरी जेब से खर्चा हुआ ही नहीं तो क्यों मिलेगा बस इतनी सी चीज है ठीक है तो देखो These are taxes which are recovered by municipality, local authority, gram panchayat, etc. They are also known as house tax, local tax, property tax, etc. They are allowed on payment basis. That is, if the municipal taxes are due but not paid, deduction is not allowed. However, if the municipal taxes are paid in any subsequent year, they shall be allowed. Reduction of municipal taxes is allowed only if they are paid by the owner. Jo owner hai. If the payment is made by tenant, then deduction is not allowed. Sometimes in the question, municipal taxes are given in percentage form. इन सच केसेस अप्लाई दिस परसेंटेज टू परिपल वैल्यू ठीक है तो ये इसके लिए क्वेश्चन नंबर टू मैं आप लोगों को ऑलरेडी करा चुका हूं ठीक है तभी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराए ये सारा टेक्स्ट आपको बाद में पढ़ा रहा हूं इंटरेस्ट ऑन लोन का रिडक्शन मिलेगा वो आप लोग देख ही रहे हो फिर मैंने यहां पर बताया है कि लोगों ने कैसे ग्रॉस एनुअल वैल्यू को मैनिपुलेट किया और ग्रॉस एनुअल वैल्यू को मैनिपुलेट करने की वजह से सरकार ने सरकार ने ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने का एक फॉर्मुला बनाया वो फॉर्मला यहां पर दिया हुआ है म्यूनिसपल वैल्यू फेयर रेंट हायर स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड एक्चुअल ग्रॉस एनुअल वैल्यू ठीक ये भी आप लोगों को पता चल चुका है म्यूनिसिपल वैल्यू क्या होती है ये भी आपको पता है फेयर रेंट क्या होता है ये भी आपको पता है स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है ये भी आपको पता है एक्चुअल रेंट क्या होता है एक्चुअल रेंट क्या होता है इसके बारे में बहुत ध्यान से सुनना एक्चुअल रेंट इज रेंट रिसीव्ड प्लस रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट एक्चुअल रेंट इज रेंट रिसीव्ड प्लस रेंट रिसीवेबल माइनस रेंट बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना ठीक मेरे नोएडा वाले मकान का जो किराया है वो है सपोज तीस हजार रुपए किराएदार मुझे तीस हजार रुपए देता है ठीक है किराएदार ने मुझे अप्रैल से लेकर दिसंबर 2023 तक का किराया दे दिया ठीक है तो ये थर्टी थाउजेंड रुपीज इंटू नाइन यानी टू लैख सेवेंटी थाउजेंड रुपीज मेरे पास आ चुका है दिस इज माई रेंट रिसीव्ड दिस इज माई रेंट रिसीव्ड ठीक है तीस हजार रुपए नौ महीने का मेरे पास आ चुका है दिस इज माई रेंट रिसीव्ड जनवरी 24 से लेकर मार्च 24 फोर तीस हजार इंटू तीन यानी नब्बे हजार रुपए अभी मेरे पास नहीं आया है अभी मेरे पास नहीं आया है तो ये मेरा क्या हुआ ये है मेरा रिसीवेबल ये मेरे पास आ जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है? नहीं दिया उसने नहीं दिया आ जाएगा बाद में आ जाएगा क्लियर हो रही है बात ठीक है अप्रैल से दिसंबर 2023 तक का किराया मेरे पास आ चुका है दिस इज रेंट रिसीव्ड जनवरी से मार्च 2023 मार्च uh, 2024 तक का किराया भी मेरे पास नहीं आया है This is rent receivable. जब मैं एक्चुअल रेंट के बारे में बात करता हूं जब मैं एक्चुअल रेंट के बारे में बात करता हूं तो रिसीव्ड और रिसीवेबल दोनों को इंक्लूड कर लिया जाता है रिसीव्ड और रिसीवेबल दोनों को इंक्लूड कर लिया जाता है ठीक है अगर मान लो ऐसा हुआ अगर मान लो ऐसा हुआ कि जो मेरा किराएदार है उसने मुझे जनवरी और फेबररी का तो किराया बाद में कभी दे दिया ठीक है सपोज उसने सपोज उसने मे 2024 में मे 2024 में, में उसने मुझे जनवरी एंड फेबररी का किराया दिया यानी उसने मुझे तीस हजार इंटू दो साठ हजार रुपए तो दे दिया साठ हजार रुपए दे दिया ये मैं मे 2024 में कौन से साल की बात कर रहा हूं मैं के बारे में बात कर रहा हूं ठीक है मार्च तक तो उसने किराया दिया ही नहीं ना मार्च के बाद ही देगा ना भी? बाद में तो दे सकता है ना पिछले साल का किराया बाद में दे सकता है वो तो में, दो में आया उसने मुझे जनवरी और फेबरी दो का तो किराया दिया मार्च का किराया उसने कहा सर अब नहीं दे पाऊंगा मैं मार्च का किराया उसने कहा भाई मैं नहीं दे पाऊंगा ठीक है मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है मेरा दिवाल निकल गया है जो भी है कुछ भी है मार्च का पैसा उसने मुझे नहीं दिया मार्च का पैसा उसने मुझे नहीं दिया ये तीस हजार उसने मुझे नहीं दिए ये तीस हजार मुझे नहीं दिए क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये तीस हजार रुपए मेरे लिए बैड डेट हो गई क्या मैं कह सकता हूं कि ये तीस हजार मेरे लिए बैड डेट हो गई क्या दिस कि दिस तीस हजार इज माई बैड डेट हां जल्दी से बता दो मुझे क्या मैं ये कह सकता हूं ये तीस हजार रुपए मेरे लिए बैड डेट है दिस थर्टी थाउजेंड रुपीज इज माई बैड है ना इसी बैड डेट को बोला जाता है अनरियलाइज्ड रेंट इसी बैड डेट को बोला जाता है अनरियलाइज रेंट इसी बैड डेट को बोला जाता है अनरियलाइज्ड रेंट अब मुझे एक बात बताओ एक्चुअल रेंट के अंदर फॉर्मूला है रेंट रिसीव्ड प्लस रेंट रिसीवेबल रिसीव्ड कितना था दो लाख सत्तर हजार रुपए रिसीवेबल कितना था तीस हजार रुपए सॉरी नब्बे हजार रुपए रिसीवेबल कितना था नब्बे हजार रुपए टोटल कितना आ गया तीन लाख साठ हजार रुपए टोटल आ गया तीन लाख साठ हजार रुपए बट भाई ये तीस हजार तो मिला ही नहीं तीस हजार तो मिला ही नहीं तो इसीलिए यहां पर अन रेंट का डिडक्शन आपको अलाउ हो जाता है सरकार कहती है ठीक है यह रेंट रिसीव्ड था यह रेंट रिसीवेबल था इसमें से माइनस कर दो जो आपका बैड डेट हो गया इसमें से माइनस कर दो जो आपका बैड डेट हो गया और यह कितना आया ये आ गया अब आग तीन लाख तीस हजार रुपए तो आपका एक्चुअल रेंट कितना आपका एक्चुअल रेंट आएगा तीन लाख तीस हजार रुपए क्या यह बात एकदम समझ में आ रही है क्लियर है इसमें कोई डाउट की कोई गुंजाइश नहीं है ठीक है बहुत ही लॉजिकल है ठीक है रेंट रिसीव्ड था दो लाख सत्तर हजार रुपए रिसीवेबल नब्बे हजार रुपए नब्बे इसमें से कितना हुआ? इस से साठ रिस गया, गया। तो क्लियरली समझ में आ रही है ठीक ये हो गया तीन लाख तीस हजार रुपए क्लियर अनरियलाइज रेंट का डिडक्शन सरकार कहती है दे दो ठीक है आपका बैड डेट हो गया हमें कोई दिक्कत नहीं है बैड डेट पर हम जबरदस्ती टैक्स छोड़ी लेंगे अनरियलाइज हो गया इसको जाने दो लेकिन लेकिन इसका डिडक्शन आपको तभी मिलेगा अगर चार कंडीशन फुलफिल हो जाती है बड़ी सिंपल सी लॉजिकल सी चार कंडीशन ठीक है बहुत ही सिंपल सी और लॉजिकल सी चार कंडीशन है फटाफट से आओ देखते हैं सबसे पहली कंडीशन है कि टेनेंसी शुड बी बोनाफाइड बोनाफाइड का मतलब जो भी किराएदार आपके मकान में रह रहा था वो अपनी मर्जी से रह रहा था आपने जबरदस्ती उसको नहीं रखा हुआ था ठीक है आपने जबरदस्ती उसको नहीं रखा हुआ था मान लो मैं किडनैप करके रख लू किसी को ठीक है मैं किडनैप करके रख लू और उससे बोलू तो मेरे को रेंट दे और वो रेंट नहीं दे रहा मैं सरकार से कह रहा हूं देखो रेंट नहीं दे रहा बैड डेट हो गई मेरी ठीक है तो सरकार भी क्या बोलेगी मेरे को ही अंदर डालेगी ना ठीक है मैंने जबरदस्ती किसी को किडनैप करके घर पे रख रखा है और मैं कह रहा हूं अब मैं तेरे को जबरदस्ती किडनैप करके घर पे रख रहा हूं तो मेरे को किराया भी दे ठीक है और फिर अगर मुझे उससे किराया नहीं मिल रहा मैं सरकार से कह रहा हूँ तो ये तो नहीं चलेगा राइट तो सरकार कह रही सबसे पहली चीज टेनेंसी शुड बी बोनाफाइड मतलब वो किराएदार आपके घर में अपनी मर्जी से रह रहा था ठीक है दूसरी चीज टेनेंट शुड हैव वेकेटेड द हाउस प्रॉपर्टी टेनेंट शुड हैव वेकेटेड द हाउस प्रॉपर्टी पता लगा वो टेनेंट अभी भी आपके घर पे रह रहा है ठीक है पता लगा वो टेनेंट अभी भी आपके घर पे रह रहा है और आप कह रहे हो नहीं तो पैसा नहीं दे रहा बैड डेट हो गया बैड डेट हो गया सरकार कह रही है कहां भागे जा रहा है यार वो अभी तुम्हारे घर में रह रहा है ना अगर तुम्हारा घर छोड़ के वो जा चुका है तब तुम बोल दो कि हाँ बिना पैसे दिए भाग गया बैड डेट हो गया अगर वो तुम्हारा तुम्हारा घर छोड़कर जा चुका है अगर वो बंदा तुम्हारा घर छोड़कर जा चुका है बिना पैसे दिए भाग गया है तब तुम कह दो कि बैड डेट हो गया लेकिन अगर वो बंदा तुम्हारे घर पे रह रहा है और फिर तुम बोलो अरे पैसा नहीं दे रहा बैड डेट हो गया तो ये तो गलत है तो ये तो गलत है तुम तो उससे अभी भी वसूल सकते हो पैसा ठीक तीसरा तीसरी कंडीशन टेनेंट शुड नॉट ऑक्युपाई एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ दी टेनेंट शुड नॉट ऑक्युपाई एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ दी असेसी पता लगा नोएडा वाली प्रॉपर्टी छोड़ के तो चला गया लेकिन मेरी ही मुंबई वाली प्रॉपर्टी में रह रहा है ठीक है मान लो ऐसा हुआ कि नोएडा वाली वाली प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी मेरी मेरी छोड़कर चला गया लेकिन मेरी ही मुंबई में रह रहा है तो सरकार के क्या बेवकूफ आदमी हो तुम टेनेंट है तो अभी भी तुम्हारे ही पास ना तुम्हारी नोएडा वाली प्रॉपर्टी छोड़कर मुंबई वाली प्रॉपर्टी में अगर चला गया है तो अभी भी है तो तुम्हारे ही पास दे देगा ना पैसा बाद में अगर बिना पैसा दिए भाग जाए तब देखो ना यार ठीक है नोएडा वाली प्रॉपर्टी छोड़कर गया मान लिया लेकिन भाई तुम्हारी ही तो मुंबई वाली प्रॉपर्टी में रह रहा है ठीक तो टेनेंट आपकी प्रॉपर्टी छोड़कर गया लेकिन फिर ऐसा भी होना चाहिए कि आप ही की कोई और प्रॉपर्टी में नहीं है वो किसी और कहीं और चला गया वो आपके कंट्रोल से ही बाहर चला गया तब हम आपको बैडेट्स का रिडक्शन अलाउ कर देंगे और चौथी कंडीशन है कि रीजनेबल स्टेप्स चौथी कंडीशन है रीजनेबल स्टेप्स कि तो मैं कुछ तो करूंगा ना मैं उस पर केस करूंगा कॉल करने की कोशिश करूंगा कुछ भी करूंगा मैं कोई रीजनेबल स्टेप्स लूंगा ना टू रिकवर माई रेंट ऐसा तो नहीं अरे बिना दिए गया चलो कोई बात नहीं भाग गया तो भाग्य मैं बैड डेट क्लेम कर लूंगा ऐसा नॉर्मली प्रैक्टिकली तो नहीं होता तो प्रैक्टिकली अगर आपका पैसा कोई खा के भाग रहा है तो आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करोगे ना उस पैसे को रिकवर करने की तो सरकार कहती है अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड है तब तो आपको अनरियलाइज uh, रेंट का हम रिडक्शन देंगे अदरवाइज रेंट का रिडक्शन आपको नहीं मिलेगा ठीक है सरकार कहती है अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड है तब तो अन रेंट का आपको रिडक्शन देंगे अदरवाइज अनरियलाइज रेंट का आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा कौन सी चार कंडीशन पहली टेनेंसी शुड बी बोनाफाइड मतलब वो अपनी मर्जी से आपके घर में रह रहा था दूसरा टेनेंट शुड वेकेटेड द हाउस प्रॉपर्टी वो बंदा आपका घर छोड़कर जा चुका होना चाहिए नेक्स्ट कंडीशन टेनेंट शुड नॉट हैव एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ ऑफ द द हाउस मतलब वो बंदा आपकी प्रॉपर्टी किसी आपकी प्रॉपर्टी छोड़कर जा रहा है लेकिन आप ही की किसी दूसरी प्रॉपर्टी में नहीं होना चाहिए एंड चौथी चीज ऑल रीजनेबल स्टेप्स मस्ट हैव बीन टेकन बाय यू टू रिकवर दैट रेंट ठीक है

कि इनकम टैक्स का लॉ में चार चीजें आती हैं चार चीजें इनकम टैक्स एक्ट 1961 इनकम टैक्स रूल्स 1962 नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स नाइनटीन बाय सीबीडीटी और, और चौथी चीज आती है आपका केस मैंने आपको यह भी बताया था कि किसी इंटरमीडिएट लेवल पर केस लॉज आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन ये तीनों चीजें आपके सिलेबस में है ठीक है तो इसमें से ये जो दूसरी चीज है इनकम टैक्स रूल्स उसमें एक रूल नंबर चार है

It is allowed to, it to be subtracted only if the following conditions of rule 4 are satisfied. Okay? Rule 4 ki HR conditions satisfied on. Number 1. Tenancy should be bona fide. That is, the tenant should have been living willingly in the house property of the owner. Number 2, tenant should have vacated the house property. Number 3, tenant should not be occupying any other house property of the owner. And number 4, reasonable steps should have been taken by the owner to recover the unrealized rent. Agar aisa hai. तो आपका अनरियलाइज्ड रेंट का रिडक्शन मिल जाएगा और फाइनली ये कंप्यूटेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट बन जाएगा म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट हायर ऑफ वन एंड टू स्टैंडर्ड रेंट एक्सपेक्टेड रेंट विच इज लोअर फिर आपका एक्चुअल रेंट रिसीव या रिसीवेबल इसके लिए वर्किंग नोट वन वर्किंग नोट में रेंट रिसीव प्लस रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट और तब जाकर आपके पास एक्चुअल रेंट रिसीवेबल और फिर आपका ये म्यूनिसिपल ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस टैक्सेस नेट एनुअल वैल्यू माइनस सेक्शन ट्वेंटी फोर ए काउस प्रॉपर्टी है और फिर आपके पास इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकलकर आएगी और आप आगे के दो क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हो आप आगे के दो क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हो क्या हाउस प्रॉपर्टी थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में घुस रहा है क्या हाउस प्रॉपर्टी आपके दिमाग में घुस रहा है सल्यूट है थैंक यू सो मच थैंक यू ठीक है मजा आया सारी चीजें कैसे लिंक हो गई एट दी एंड मजा आ रहा है थैंक यू मुस्कान होतवानी थैंक यू सेजल शशांक समीर तनु पूजा थैंक यू सो मच आप लोगों के ये रिएक्शंस इतने ज्यादा मोटिवेटिंग है मेरे लिए में बता नहीं सकता मजा आ गया चलो फिर अभी जाओ लंच करो साढ़े तीन बजे मिलते हैं जीएसटी के डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे ठीक है और हाउस प्रॉपर्टी का बाकी डिस्कशन हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे सोचा था छोटी क्लास करेंगे लेकिन इतना मजा आ रहा था कि हो ही गया ठीक चलो थैंक यू सो मच एवरी टेक केयर अपना ध्यान रखिए बाय बाय